नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे किरण सामान्य ज्ञान की बुक्स के बारे में। तो इसमें आपका भारत का इतिहास पूरा हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोगों को बात करनी है दूसरे टॉपिक के बारे में, विश्व का इतिहास देखना है। मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर इसे आप लोग कवर कर लेते हैं, इसे पढ़ लेते हैं, खरीद लीजिए और इसे एक दो बार पढ़ लीजिए, तो आपका SSC, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी छोड़िए, आप काफ़ी हद तक स्टेट PCS का प्रीलिम्स से भी कवर कर सकते हैं इससे। जैसे आपका UPPCS हो गया, MPPSC हो गया, BRPCS हो गया, काफ़ी हद तक आपका इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा विस्तार से लिखा गया है, कुछ ज़्यादा ही, लूसेंट से बहुत विस्तार से लिखा गया है। लूसेंट में बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, ये आपकी थोड़ी ज़्यादा विस्तार में लिखी गई। तो आपकी किरण सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है, उसी में पूरी बुक्स आपको मिलेगी। ठीक है, वहीं जितने भी इससे संबंधित आपकी क्लासें होंगी उसी में डली रहेंगी। तो हम बात करेंगे इसमें विश्व की प्रमुख सभ्यताएं देखेंगे, जो विश्व में प्रमुख सभ्यताएं हुई उनके बारे में जानेंगे, फिर आपका पुनर्जागरण के बारे में जानेंगे, धर्म सुधार आंदोलन देखेंगे हम लोग, फिर आपकी फ्रांस की राज क्रांति देखेंगे, पूंजीवाद का विकास देखेंगे, अमेरिकी क्रांति देखेंगे, रूसी क्रांति, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध देखेंगे, इतिहास के प्रमुख युद्ध जो हुए हैं उन्हें भी देखेंगे, विश्व इतिहास के कुछ प्रमुख तथ्य उन्हें भी देखेंगे, और विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां हैं उन्हें भी हम लोग कवर करेंगे। तो याद रखिए, अगर आप लोग विश्व इतिहास को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपकी NCERT कवर की जा रही है, भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट के नाम से। उसमें काफ़ी हद तक आपके चैप्टर दिए गए हैं, उन्हें आप लोग वहाँ जाकर देख लें। अगर आप स्टेट PCS या फिर IAS यानी कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो NCERT आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आपको NCERT पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम लोग वो भी कवर कर रहे हैं आपकी, तो वहाँ जाकर आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए, पहला हमारा चैप्टर होगा इसमें विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। विश्व का इतिहास। मानव के विकास की कहानी आज से लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व यानी कि 20 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका से शुरू होती है। कहाँ से? कई आपके इतिहासकार मानते हैं कि मानव के उद्भव विकास की कहानी अफ्रीका महाद्वीप से शुरू होती है, इसीलिए कहते हैं इसे सभ्यताओं का जीवन स्थल भी कहते हैं, इसे अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। वर्तमान मानव के आदि पुरुष ने लगभग 20,000 शताब्दी वर्ष पूर्व भोजन की खोज में अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में प्रवेश किया। कहाँ? अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में। आप भी जानते हैं, जब अधिक जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो फिर उन्हें भोजन के लिए कम संसाधन उपलब्ध रहेंगे, तो वो आसपास भी जाने लगेंगे संसाधनों की खोज के लिए। इसके उपरांत लगभग 400,000 वर्ष पूर्व मानव का पूर्वज अफ्रीका से बाहर प्रव्रजन करने निकला, यानी कि अफ्रीका से अन्य महाद्वीप में इनका जाना होता है, क्योंकि उसने आग का प्रयोग सीख लिया था इस समय, और अपनी बातों को एक दूसरे तक बोलकर पहुंचाने लगा था, यानी कि एक दूसरे की बातों को वो समझने लगी थी। नियंडरथल मानव ने इस उद्विकास की प्रक्रिया का अनुगमन किया, और लगभग 40,000 वर्ष पूर्व मानव शारीरिक रूप से आधुनिक हो गया। आरंभिक पश्चिमी सभ्यता का उद्भव लगभग 3200 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में हुआ था। कहाँ? मेसोपोटामिया में। याद रखिए, पीछे में हम लोग बात कर चुके हैं ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में, अंतर आपको बता दें। जैसे ये लाइन है, आपका जन्म होता है यहाँ, ठीक है, बीचों बीच। अब आपने कोई घर बनाया, आपके माँ बाप ने, तो कोई आपके माँ बाप से पूछता है कि ये घर कब बनाया गया, तो वो क्या बोलेंगे कि इस लड़के के जन्म के 10 वर्ष पूर्व, यानी कि ये हो गया आपका ईसा पूर्व। और अगर उन्होंने बाद में बनवाया आपके जन्म के बाद, तो कहेंगे कि अपने लड़के के 10 साल बाद, हमने जन्म के 10 साल बाद हमने बनवाया था। इसे आप लोग ईसवी कहते हैं, इसे आप लोग BC के नाम से भी जानते हैं,
और इसे एडी के नाम से भी जानते हैं आप लोग। और क्या होता है कि ईसा के जन्म से पूर्व की तिथि आपकी ईसा पूर्व कहलाती है, ईसा के जन्म की बात की तिथि ईसवी कहलाती है। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। लगभग 600 ईसा पूर्व तक सभी महत्वपूर्ण सभ्यताएं अपना अस्तित्व ग्रहण कर चुकी थीं। मानव की प्रगति की कहानी उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और जिन्हें हम लोग पढ़ भी सकते हैं, उसे आपका इतिहास कहते हैं। वह लंबा सुदूर अतीत जब मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं लिखा, उसे प्राक इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राक इतिहास कहते हैं। इस समय की जानकारी हम उपलब्ध करने के लिए जीवाश्मों का सहारा लेते हैं, पत्थरों का सहारा लेते हैं। ठीक है, इस तरह की जो भी इनसे बनी हुई चीज़ें होती हैं उनका सहारा लेते हैं इस समय के बारे में जानने के लिए। इस समय अवधि को हम बहुधा प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। फिर आता है आपका आग इतिहास काल। आग इतिहास काल जिसमें एक निश्चित अर्थ नहीं है, परंतु मोटे तौर पर इसका अभिप्राय उस युग से जो इतिहास तथा साक्षर अभिलेखों से पूर्व का है, यानी कि इस समय कुछ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें हम लोग पढ़ नहीं सकते उस भाषा को। ठीक है, भारत को हड़प्पा संस्कृति इसी युग की पहचान है, चूंकि इसके इतिहास लिखित होते हुए हम इन्हें पढ़ नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? पढ़ नहीं सकते। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है समाज के बारे में, हम एक अंदाजा लगा लेते हैं उस समय की वस्तुओं पर कि इस समय का इस तरह का समाज होगा। अब चलते हैं पाषाण काल पर। क्या पाषाण काल? पाषाण काल को आपका तीन भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर है आपका नवपाषाण काल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूर्व पाषाण काल के बारे में। होमो सेपियंस का उद्भव पूर्व पाषाण काल में 36,000 वर्ष ईसा पूर्व प्रथम बार हुआ था। उसका मुख्य हथियार था दस्ती कुल्हाड़ी। उनके हथियार पत्थर के थे तथा देखने में भद्दे और बिना पॉलिश युक्त थे, क्योंकि अभी अभी मानव अच्छे से चलना भी सीख रहा था। आप समझ सकते हैं कि शुरू में आप कोई भी काम करते हैं, लिखना भी सीखते हैं तो गंदा लिखते हैं, उसके बाद सुधरता है धीरे धीरे। चलना भी आप लोग बचपन से शुरू करते हैं तो कई बार गिरते हैं, फिर उठकर सुधरते हैं। इस समय कृषि नहीं, भोजन पदार्थ जंगली कंदमूल, पशुओं के मांस, मछली, अंडा आदि पर निर्भर थे। मुख्य व्यवसाय इनका शिकार था, क्योंकि इस समय कृषि का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। बाद में आग जलाना भी सीख लिया इन्होंने। आरंभ में नंगे रहा करते थे, लेकिन बाद में शरीर को ढकने के लिए वृक्ष की छाल, पत्तों और पशुओं की खाल का भी प्रयोग करना उन्होंने सीख लिया। इस काल के मानव को भोजन इकट्ठा करने वाले माने जाते हैं। अब शुरू में आप भी सोचते हो कि जब आप पैदा होते हैं तो नंगे ही तो रहते हैं, कुछ दिन देखते रहते हैं, उसके बाद समझ आती है, विकसित होती है तो आप बढ़ते जाते हैं। तो आप समझने के लिए कोई भी उदाहरण यहाँ रख सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, याद रखिए। ठीक है, किसी भी कारण आपको समझना है, फिर चाहे आप कौन भी सा उदाहरण ले सकते हैं। फिर आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का मुख्य औजार माइक्रोलिथ यानी नुकीला ब्लेड था। इस काल को मध्य पाषाण युग कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। भोजन इकट्ठा करने वाले मनुष्य ने अब वह भोजन उत्पन्न करने वाला मनुष्य बन गया, यानी कि मध्यकाल में अब वो कृषि भी करने लगा था, उसका व्यवसाय कृषि भी हो गया था। फिर है आपका नवपाषाण काल। इस काल की विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें तो कृषि कार्यों में सहायता के लिए मानव ने पशुओं का पालन आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम कुत्ता और गधा पाले गए। ये आपका क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम पाला गया जानवर कौन था, तो कुत्ता। ठीक है, इसके बाद बकरी, भेड़, गाय, भैंस, घोड़े का नंबर आया। मानव आवास की स्थायी व्यवस्था की गई। अब आप सोचिए कि अगर आप एक जगह कृषि करते हैं तो उसे देखने के लिए, उसकी रखवाली करने के लिए आपको वहाँ रहना तो पड़ेगा, यानी कि स्थायी निवास बनाना पड़ेगा ना, वरना कोई भी पशु खा जाएगा आपकी फसल को। तो इस तरह से स्थायी व्यवस्था की इन्होंने। इस काल का अत्यंत उल्लेखनीय आविष्कार चक्र यानी कि पहिया था। नवपाषाण काल का एक उल्लेखनीय आविष्कार था चक्र यानी कि पहिया। इस काल
में मानव लाल रंग के बर्तन का उपयोग करते थे। किस तरह के लाल रंग के बर्तन का? अतिरिक्त खाद्य सामग्री को इस बर्तन में संचित कर भविष्य के लिए रखते थे। फल, कंदमूल, सब्जियां, अनाज, जानवरों का मांस, मछली, दूध, दही, मक्खन, घी आदि नवपाषाण युगीन मानव के खाद्य पदार्थ थे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्रागैतिहासिक मानव का एक परिचय देखते हैं। मानव जैसे प्राणी अथवा आदिम होमिनिड्स सबसे पहले अफ्रीका में अभी न्यूतन काल के आरंभ में प्रकट हुए। सबसे पहला मानव वानर था जो सीधा चलता था और होमिनिड से मिलता जुलता था। मध्य अफ्रीका में पाया जाता था शुरू में। उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस पिथेकस एक उपजाति जिंजान्थ्रोपस औजार बनाती थी। एशिया में आद्री होमिनिड प्राणियों के अवशेष जावा में मिले हैं हमें। अध्ययन के बाद कहा गया है कि यह हड्डियाँ एक ऐसे होमिनिड की हैं जो सीधे होकर चल सकता था, यानी कि उसकी मानव के उद्विकास में और प्रगति हुई। इसलिए उसे पिथी कांथ्रोपस एरेक्टस भी यानी सीधा खड़ा वानर कहा गया है। अनेक वर्षों के बाद इसी प्रकार के जीवों के 40 जीवाश्म पेकिंग के निकट एक गुफा में मिले। पेकिंग मानव जैसे सेंथोपस नाम से भी जाना जाता है। जावा मानव की अपेक्षा कुछ विकसित चचेरा भाई सिद्ध हुआ। नियंडरथल मानव मध्य पुरापाषाण का प्रतिनिधित्व करता है। नियंडरथल मानव के बाद होमोसीपियंस जाति का क्रोमैग्नन मानव आता है। यह मानव भाषा के विकास में सहायक रहा। इसके अतिरिक्त ग्रीओनाल्डी मानव भी हुआ। यह मानव भी होमोसीपियंस जाति का ही था। होमोसीपियंस को आधुनिक मानव के नाम से भी आप लोग जानते हैं। अब हम बात करते हैं विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। क्या है विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। सबसे पहले है आपकी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की साम्राज्य की स्थापना लगभग 3000 कब 3000 ईसा पूर्व हुई में हुई, यानी कि 3000 BC में हुई। मिस्र के प्रथम राजवंश का प्रथम शासक था मेनेस। कौन था? मिस्र के प्रथम राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मेनिस। विश्व की प्रथम महिला शासक प्राचीन मिस्र की रानी हटसेटपुट थी। याद रखिए, ये भी पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। विश्व की प्रथम महिला शासक कौन थी? प्राचीन मिस्र की रानी हटसेटपुट। मिस्र को आप लोग नील नदी की देन कहते हैं। मिस्र को नील नदी की देन कहने वाला प्रमुख इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। मिस्र का नेपोलियन कहलाता है थुटमोज तृतीय। मध्यकालीन राज्य का एक प्रतापी सम्राट था ये। गीजा स्थित विश्व प्रसिद्ध पैरामिड का निर्माता था। मिस्र का एक महान फराओ चियोप्स खुफू, ये आपका 2589 ईसा पूर्व से 2566 ईसा पूर्व ने विश्व प्रसिद्ध पैरामिड का निर्माण कराया था। याद रखिए, ठीक है। अधिकांश पैरामिडों का निर्माण नील नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित नैनफिस नगर में किया गया है। जो अधिकांश पैरामिड है आपके, इन नील नदी के दक्षिण किनारे में स्थित नैनफिस नगर में स्थापित हैं। प्रसिद्ध गीज ऑफ मीडियम की दीवारें सफेद और काले रंग में हैं। प्राचीन मिस्र का देवता किसे? रॉ सूर्य देवता था, सन गॉड। बात करते हैं मिस्र का राजनीतिक इतिहास देख लेते हैं। पैरामिड युग, सामंतशाही युग और नवीन युग। मिस्र सभ्यता के समय कुछ समय हुई विभिन्न राजनीतिक घटनाओं को देखते हुए मिस्र के राजनीतिक इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया। पहला था आपका पैरामिड युग, ये आपका 3400 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक था। दूसरा आपका सामंतशाही युग, ये आपका 2500 ईसा पूर्व से लगभग 1800 ईसा पूर्व तक रहा। तीसरा था आपका नवीन साम्राज्य,
ये आपका 1850 ईसा से सॉरी 1580 ईसा पूर्व से 1150 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, पहला पिरामिड युग, दूसरा सामंतशाही युग, फिर था आपका नवीन साम्राज्य। पिरामिड काल का प्रथम शासक था मेनेस, यानी कि फ्रांस का पहला शासक हुआ मेनेस। इसी के समय मिस्र के वास्तविक राजनीतिक जीवन का श्री गणेश हुआ। क्या हुआ? श्री गणेश हुआ। 2500 ईसा पूर्व तक फराओ की शक्ति का पूर्ण ह्रास हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप मिस्र के राजनीतिक इतिहास में एक नए युग का श्री गणेश हुआ, जिसे सामंतशाही काल कहा जाता है। पिरामिड युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि पिरामिड का निर्माण था, जिसको फराओ ने अपने को मृत्यु के उपरांत दफनाए जाने के लिए किया था। मिस्र के इतिहास में सामंतशाही युग क्या सामंतशाही युग 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक रहा। इसके पश्चात नवीन साम्राज्य की स्थापना हुई और हर दृष्टि से पिरामिड काल की उत्तराधिकारी कही जा सकती है। इस काल को आप लोग नवीन साम्राज्य नाम के नाम से भी जानते हैं। सामंतवादी युग में मिस्र के उत्तर से हिक्सास जाति ने आक्रमण करके मिस्र को पराधीन बना दिया। यूट मस प्रथम इस काल का महान विजेता था। यह आपका 1545 ईसा पूर्व से 1524 ईसा पूर्व तक रहा, तथा महारानी हत्शेपसुत यह आपकी 1501 ईसा पूर्व से 1479 ईसा पूर्व तक रही। प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, महारानी को मंदिरों के निर्माण तथा व्यापार में अधिक रुचि थी। ये जो महारानी थी, इन्हें मंदिरों के निर्माण करवाने में और व्यापार करने में अधिक रुचि थी। उसने कर्नक में एक सुंदर मंदिर का निर्माण भी कराया था। कहाँ? कर्नक में। फिर आती है आपकी दजला फरात घाटी के पूर्व भाग की सभ्यता, जिसे आप लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया नगर दो नदियों, एक दजला थी और एक फरात, जिनका स्रोत एशिया माइनर में स्थित पर्वत था, जो दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई फरात की खाड़ी में गिरती थी की घाटी के बीच स्थित थी। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता। इस घाटी के उत्तर में काला सागर एवं कैस्पियन सागर था आपका। दक्षिण में फारस की खाड़ी के पार हिंद महासागर है। इसके दक्षिण पूर्व में अरब भूखंड, जो पश्चिम में लाल सागर और दक्षिण में आपका हिंद महासागर तक फैला हुआ है। याद रखिए, आपका हम लोगों ने पूरा कवर किया हुआ है मैप्स का पार्ट विश्व का, उसमें भारत को भी सम्मिलित किया गया है। अगर आप लोग उसे पढ़ लेते हैं तो आपका मैप्स से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें आपने भारत का सभी देश, एशिया के सभी, यूरोप के देश, अफ्रीका महाद्वीप के सभी देश, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब कुछ देखा गया है। तो आप लोग जाकर देख लें, पूरी एक किताब का रिव्यू किया गया है उसमें। ये आपका मैप्स या मानचित्र के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें जाकर देखें उसे। ठीक है, बहुत मैप्स का पूरा सहारा लिया गया है, उसे बताया गया है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार जाकर देख लें, अच्छा लगा तो ठीक है, वरना छोड़ के निकल जाया करिए। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देख लिया करिएगा। अगर आप लोग एडजस्ट करना सीख गए तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा देखो भाई, क्योंकि थोड़ा जल्दी पढ़ाया गया है, जल्दी जल्दी में। और आपके पास ऑप्शन भी तो है, स्लो भी कर सकते हैं और आप बढ़ा भी सकते हैं उसकी स्पीड को, ये अच्छी सुविधा है। आधुनिक समय में इस घाटी के ओर सीरिया और अरब सागर के मरुद्धान तथा दूसरी ओर आर्मीनिया की उच्च भूमि है। इस प्रदेश को बाइबिल, पूर्वार्ध, ओल्ड टेस्टामेंट में गार्डन ऑफ ईडन भी कहा गया है।
अब आती है आपकी सुमेरियन सभ्यता। ये आपकी 3500 ईसा पूर्व से 2340 ईसा पूर्व तक रहती है। 3500 से शुरू होती है ईसा पूर्व से 2440 तक रहती है। सुमेरियन जाति के मानव इस घाटी में नवीन पाषाण युग में जिस समय प्रविष्ट हुए थे उनको कृषि का ज्ञान हो चुका था। इन लोगों का जीवन धर्म से निर्देशित होता था। प्रत्येक शहर में एक मंदिर और जिस मंदिर का एक पुरोहित होता था। लेकिन याद रखिए, हमारी हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ। पुरोहित ही शासन व्यवस्था का मुखिया हुआ करता था। इस समय यहाँ के लोग पुरोहित की आज्ञा का पालन करते थे, उसे भगवान का प्रतिनिधि समझते थे। फिर आप लोग समझ सकते हैं आगे बेबीलोनियन सभ्यता। इस जाति के शासकों ने बेबीलोन नगर का निर्माण किया जो आधुनिक समय में कासगर के मैदान के नाम से जानते हैं आप लोग। जैसे इन्हें बाबल लोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबल लोग। बेबीलोनियन सभ्यता के शासकों में हम्मुराबी यह आपका 1810 से 1750 तक ईसा पूर्व तक रहता है। बहुत शक्तिशाली एवं योग्य शासक था। क्या था? महान शासक था। वह संपूर्ण मेसोपोटामिया को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। सो फिर आता है आपका असीरियन सभ्यता। बेबीलोन नगर के उत्तर में 200 मील दूर आसुर नगर में असीरियन जाति के मानव उस समय शासन कर रहे थे, जबकि बेबीलोनियन सभ्यता उन्नति की पराकाष्ठा पर थी। असीरियन जाति के व्यक्ति युद्ध प्रिय थे। युद्ध इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत भी था। धर्म का इनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान भी था, यानी कि धर्म मानने वाली सभ्यता थी। असीरियन बहुदेव पूजक थे। सूर्य इनके प्रमुख देवता थे। ईस्टर देवी भी असीरियन साम्राज्य में पूजा की जाती थी इनकी। फिर आती है आपकी हिट्टी सभ्यता। कौन सी? हिट्टी सभ्यता 1300 ईसा पूर्व में। ईसा से लगभग 1300 वर्ष पूर्व हिट्टी सभ्यता अपनी पराकाष्ठा पर थी। असीरियन वासियों ने भवनों को सजाने, मेहराबदार द्वार बनाने की कला सीखी थी हिट्टी सभ्यता। हिट्टी जाति के लोग प्रजनन शक्ति के उपासक थे। प्राचीन सभ्यता में प्रमुख योगदान लोहे का प्रयोग था, जिनको कालांतर में सभी सभ्यताओं ने अपनाया था। लेकिन हमारे यहाँ देखिए आप, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में जाकर होती है। हड़प्पा सभ्यता में हमारे यहाँ लोहे का विवरण ही नहीं मिलता है, समझ सकते हैं। इसीलिए हमारी हड़प्पा सभ्यता कृषि क्षेत्र में पिछड़ी रह जाती है, क्योंकि आप लोहे का समझ सकते हैं उपयोग किस तरह से आजकल होता है। अगर लोहे उस समय भी उपलब्ध होता तो उस समय भी शायद हो सकता है कि अच्छा उपयोग होता और हड़प्पा सभ्यता आगे बढ़ती अच्छे से। फिर आती है आपकी आर्मीनियन सभ्यता। आर्मीनियन वासी भी सेमिटिक जाति के मानव थे। ईसा से 1000 पूर्व सभ्यता के तीन प्रमुख राज्य थे, हामत, जुआ, दमस्क। आर्मीनियन वासी कुशल व्यापारी थे। क्या थे? कुशल व्यापारी। ये लोग मेसोपोटामिया, फेनिसिया तथा मिस्र से व्यापार करते थे। लेखन के क्षेत्र में आर्मीनिया वासियों ने टंकाकार लिपि एवं बीजाक्षर कला के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग किया। आर्माइक लिपि में को कई शताब्दियों तक अंतर्राष्ट्रीय लिपि का गौरव प्राप्त रहा। क्या रहा? गौरव प्राप्त रहा। फिर आपकी फारस की सभ्यता। यह आपकी 550 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक रही। फारस की सभ्यता की जाति के जो व्यक्ति यूरोपियन देशों में जाकर बस गए उनको यूरोपियन कहा गया तथा फारस एवं भारत में बसने वालों को इंडो कहा गया। क्या कहा गया? इंडो कहा गया। एशिया में प्रवेश करने के उपरांत उस जाति के मानव दो भागों में विभक्त हो गए। इतिहास में इनको आप लोग मिडीच और पर्सियन के नाम से जानते हैं, इन दो वर्गों को। ये लोग आपके अग्नि पूजा, सूर्य, चंद्रमा, वायु की पूजा किया करते थे। अग्नि, सूर्य,
चंद्रमा तथा वायु की पूजा किया करते थे। फिर आती है आपकी फिनीसियन सभ्यता। फिनीसियन तटवर्ती क्षेत्र के निवासी मुख्यतः व्यापारी थे तथा व्यापार से लोग जीवन या जीविकोपार्जन करते थे। इस क्षेत्र की भूमि कृषि के लिए उतनी उपजाऊ एवं उपयुक्त ना थी जितनी घाटी के अन्य भागों की भूमि थी। अतः इस प्रदेश के निवासी जहाज़ों के माध्यम से दूरस्थ विदेशों से व्यापार किया करते थे, यानी कि जहाज़ों का उपयोग ये व्यापार के दूरस्थ विदेशों के लिए करते थे। फिर आती है आपकी चीन की सभ्यता। चीन में कृषि का ज्ञान ही सभ्यता का आधार बना तथा यह सभ्यता हर दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी। सर्वप्रथम चीनी शासक स्वयं को देश की जनता का कल्याण कारक मानते थे, यानी कि जनता का कल्याण करने वाले। द्वितीय चीनी सभ्यता में शिक्षित व्यक्ति को जितना महत्व मान सम्मान दिया जाता था उतना अन्य किसी सभ्यता में नहीं दिया गया है, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की यहाँ कुछ ज़्यादा ही महत्व था। फिर आपकी तृतीय चीनी सभ्यता। तृतीय चीनी सभ्यता में मनोरंजन को विशेष स्थान दिया गया। चतुर्थ चीनी सभ्यता में सर्वप्रथम रेशम के वस्त्रों का निर्माण किया गया और विश्व में इसका प्रसार किया गया। फिर पंचम चीनी सभ्यता कला के क्षेत्र में चीनी कलाकार सुंदरता स्वच्छता का तो ध्यान रखते ही थे, साथ ही साथ कला को आनंद का स्रोत और मानव भावनाओं का दर्पण भी मानते थे। प्राचीन चीनी सभ्यता के वासी मंगोल जाति के मानव थे तथा इनमें अन्य किसी विदेशी जाति का समावेश इस कारण नहीं हो पाया क्योंकि तत्कालीन चीन में पहुंचना बहुत कठिन था। मंगोल जाति के लोग शारीरिक रूप से गोल सिर मुख छोटे हाथ पैर वाले हुआ करते थे। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य यहाँ रहता था, जैसे पैकिंग मानव कहा गया। चीन की विशाल दीवार वास्तुकला की उन्नति का प्रतीक है। आप लोग सुनते हैं चीन की विशाल दीवार, इसका निर्माण की अगर बात करें चीन की विशाल दीवार की तो ये सी हुआंग टी द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण सी हुआंग टी का समय रहता है 247 ईसा पूर्व से 210 ईसा पूर्व तक। आप समझ सकते हैं कि अब इस तरह की आप लोग दीवार उस समय कितने अच्छे कारीगर हुआ करते थे कि अभी तक वो दीवार खड़ी हुई है, वरना अभी आप देखते हैं कि 2-4 साल में काम खत्म हो जाता है, 2-4-10 साल बहुत बड़ी बात है। अगर आपका 10-20 साल कोई पुल बनते हैं डैम बनते हैं वो चल जाए, वरना उससे पहले ही आपका चल बसता है और कई बार तो बनते बनते ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। इस कला के विकास पर काफ़ी बल दिया गया इसने। ईसा पूर्व द्वितीय सती में कागज़ बनाने की कला को चीनियों ने ही खोजा था। आपने सुना होगा कि कागज़ बनाने की कला सबसे पहले कागज़ की खोज चीन में ही हुई थी। चीन के बाद कागज का प्रयोग अरब जगत में आरंभ हुआ था। फिर है आपकी जापानी सभ्यता। कौन सी? जापानी सभ्यता। 19वीं शताब्दी के मध्य तक जापान एक मध्यकालीन और पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। समुराई जापान के सैनिक जागीरदार थे। ईकाबेना फूलों को सजाने की एक जापानी कला थी। ईकाबेना काबुकी जापान की नाट्य शैली हुआ करती थी। 1894-95 ईस्वी में चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ जिसमें जापान ने चीन को पराजित किया था। याद रखिए इसमें चीन को पराजित कर दिया गया था जापान के द्वारा। जापान ने चीन कोरिया मंचूरिया इत्यादि देशों से आए प्रवासियों के बसने से पूर्व एनो जाति के लोग यहाँ रहा करते थे जिनकी बड़ी गोल आँखें हुआ करती हैं। प्रकृति पूजा इस बात को प्रकट करती हैं कि उनका संबंध काकेशियाई जाति से हुआ करता था। फिर आती है आपकी यूनान की सभ्यता।
यूनान बाल्कन प्रायद्वीप यूरोप का दक्षिणी भाग है जो भूमध्य सागर से मिला हुआ है आपका। कई कबीलों का स्वामी राजा होता था। प्रारंभिक यूनानियों के मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, तलवार और आभूषण बनाने थे। यूनानी लोगों ने देवताओं की कल्पना मनुष्यों के रूप में की थी। यद्यपि ये देवता मनुष्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और अमर समझे जाते थे। उनके निम्नलिखित देवता थे कौन कौन से? आकाश का देवता जीयस, समुद्र का देवता पोसीडन, सूर्य का देवता अपोलो, समुद्र का देवता था पोसीडन सूर्य का और देवता अपोलो। आगे चलते हैं, विजय की देवी थी एथना, एथेना। शराब का देवता था डोनिसस। पाताल का देवता हेडिज। पृथ्वी का देवता देवी डेमोटर। वन देवता सटीर और व्यापार संरक्षक देवता हर्मीज। धातु शिल्पों का देवता हेपेस्टोस। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्रीट सभ्यता। कौन सी? क्रीट सभ्यता। इस सभ्यता को पाषाण युग यानी कि 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व आरंभिक म्यूनन युग, 3000 ईसा पूर्व मध्य म्यूनन युग 2100 ईसा पूर्व और अंतिम म्यूनन युग 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व 4 चरणों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार कीट सभ्यता की आधारशिला नवीन पाषाण युग में ही रखी जा चुकी थी, परंतु 1600 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के बीच कीट सभ्यता विकास की पराकाष्ठा पर थी। इस समय क्रीटवासी दूरस्थ प्रदेशों जैसे मिस्र, बेबीलोनिया, अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों से व्यापार भी करते थे। व्यापार के लिए विशाल का जहाजों का प्रयोग भी एक किया करते थे। व्यापार की सुरक्षा के लिए विभिन्न तटों पर चौकियां बनाते थे। ये चौकियां एक समय में दो कार्य करते थे। अफ्रीका की सभ्यता। अफ्रीका की आधुनिक खोज से पूर्व इतिहासकार इसे अंधकारमय द्वीप भी मानते हैं। याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप को अभी भी अंधकारमय द्वीप के नाम से जानते हैं। कई बार पूछ लेता है कि अफ्रीका महाद्वीप को किस नाम से जानते हैं, अंधकार, या फिर पूछेगा कि अंधकारमय द्वीप के नाम से किसे जानते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को जानते थे। 19वीं सदी में यूरोपीय यात्रियों में पुर्तगालियों ने आकर इसको समझा। हालांकि भारत इसके साथ 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच व्यापार करता था। फिर आती है आपकी अरब सभ्यता। 7वीं शताब्दी में एक नए धर्म इस्लाम में ने अरब में जन्म लिया। इस्लाम ने थोड़े ही समय में न केवल प्रतिद्वंद्वी कबीलों के बीच एकता कायम की, बल्कि उसके परिणाम स्वरूप एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई और एक नई सभ्यता का उदय हुआ जो अपने समय की सबसे उत्कृष्ट सभ्यता थी, अरब सभ्यता। अगर हम लोग अरबों की देन की बात करें कि अरबों ने क्या क्या दिया, अरबों की देन क्या क्या है? शिक्षा। पैगंबर के निर्देश के अनुसार प्रत्येक मुसलमान का यह कर्तव्य है कि वह ज्ञान की खोज करे। अरबों ने समस्त ज्ञान को अपना लिया, उसे विकसित भी किया। फिर आपकी चिकित्सा। अरबों ने अनेक महान चिकित्सक पैदा किए। अल राजी नामक अरब वैज्ञानिक ने चेचक का ठीक ठीक निदान किया था। चेचक आप लोग समझते हैं, जिसे आप लोग छोटी माता बड़ी माता कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, ये आपकी चेचक। अल राजी को यूरोप में रहे जेस के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इब्न सीना को मध्यकालीन यूरोप में एबिसित्रा के नाम से मशहूर था, ने पता लगाया था कि तपेदिक छूत का रोग है। तपेदिक जो बीमारी है यानी कि रोग है, ये छूत का रोग है। इब्न सीना ने तंत्रिका तंत्र संबंधी अनेक रोगों का वर्णन किया, नर्वस सिस्टम। अरबों ने प्लेग, आँख के रोगों, छूत की बीमारियों के फैलने आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने और अस्पतालों के संगठन में बड़ी प्रगति भी की। अंक एवं गणित। गणित के क्षेत्रों में अरबों ने भारतीय अंक प्रणाली सीखी
उसे दूर दूर तक फैलाया। इसी कारण ये अंक अब भी पश्चिमी देशों में अरबी अंक कहलाते। क्या कहलाते हैं? अरबी अंक। अरबों ने बीजगणित, त्रिकोणमिति, रसायन शास्त्र का भी विकास किया था। उमर खयाम ने एक पंचांग बनाया जो ईसाइयों के उस पंचांग से अधिक शुद्ध है जो आजकल संसार के अनेक देशों में प्रयुक्त किया जाता है। उमर खयाम ने अरब ज्योतिषों का अनुमान था कि पृथ्वी संभवतः अपनी धुनी पर घूमती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अरब निवासियों ने रसायन शास्त्र में भी अनेक प्रयोग किया, यानी कि अरब शास्त्रियों ने, ज्योतिषियों ने बहुत पहले बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों चक्कर वो भी लगाती है। इनसे अनेक नए मिश्रण का, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट, सोरे तथा गंधक के तेजाबों का भी पता किया गया था। आगे आपका दर्शन और जीवन। दर्शन शास्त्र में भी अरबों की उपलब्धियां महत्वपूर्ण थीं। यूनान का ज्ञान और बौद्धिक परंपरा सीरिया और फारस के जरिए अरबों को मिली थी। इब्न सीना को यूरोप में एक दार्शनिक के रूप में जाना जाता था। इब्न सीना को अबू अल वलीद मोहम्मद इब्न रुस्त, जिन्हें यूरोपवासी यूरोंज के नाम से भी जानते थे। मध्यकालीन इस्लामी साहित्य को मुख्य प्रेरणा ईरान फारस से मिली हुई थी। इस काल की कुछ प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो उमर खयाम की रूबाइयान, फिरदौसी का शाहनामा और 1001 कहानियों का संग्रह अलीफ लेला, जिनकी कहानियों से तत्कालीन संस्कृति और समाज के विषय में काफ़ी जानकारी भी मिलती है। अरबी कला की बात करें तो अरबी कला पर बाइजेंटाइन और ईरान की कला का प्रभाव पड़ा, किंतु अरब निवासियों ने अलंकरण के मौलिक नमूने निकाल लिए। उनके भवनों पर बल्बों जैसे गुम्बद, छोटी मीनारें, घोड़ों के खुरों के आकार के मेहराब, मरोड़दार स्तंभ होते थे। अरब वास्तुकला की विशेषताएं तत्कालीन मस्जिदों, पुस्तकालयों, महलों, चिकित्सालयों और विद्यालयों में देखी जा सकती हैं अभी भी। अरबों ने लिखने की एक अलंकृत शैली का भी आविष्कार किया जिसे आप लोग खुश खती कहते हैं। इसने उन्हें पुस्तक सजाने के कार्य को भी कला के रूप में विकसित किया था। अब चलते हैं हम लोग एक नई सभ्यता, अमेरिकी सभ्यता। अमेरिका में मानव निश्चित रूप से 10,000 ईसा पूर्व तक संभवतः साइबेरिया से आ चुका था, यानी कि अमेरिकी सभ्यता में 10,000 ईसा पूर्व तक मानव आ चुका था। यहाँ उसने उनमें से कुछ मध्य और दक्षिण अमेरिका में 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी फल फूल रही थी। इनमें अधिक प्रसिद्ध मध्य अमेरिका की माया और एजटेक सभ्यताएँ और दक्षिण अमेरिका के एंडीज में इंका सभ्यताएँ थीं। क्या थीं? इंका सभ्यताएँ। तो ये थी आपकी कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएँ, ठीक है, विश्व की। अब हम देखते हैं प्राचीन विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो उन्हें देखते हैं। मानव विकास की प्रमुख तिथियों की अगर बात करें हम लोग तो पृथ्वी की रचना आपकी ईसा पूर्व 40 खरब वर्ष पूर्व आपकी पृथ्वी की रचना हुई है। अगर जीवन का प्रादुर्भाव की बात करें तो ये 10 खरब ईसा पूर्व, क्या है, जीवन का प्रादुर्भाव कब हुआ? 10 खरब वर्ष पूर्व। सरीसृप युग का प्रारंभ होता है 12.5 करोड़ वर्ष ईसा पूर्व। स्तनधारी जीवों का प्रादुर्भाव होता है 6 करोड़ ईसा वर्ष पूर्व। हिमनदी युग का प्रारंभ होता है आपका 10 लाख वर्ष ईसा पूर्व। याद रखिए, डेट आपको याद रखना है, कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है और कई बार आपको सामान्य जानकारी के लिए कई लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर आपकी है पूर्व पाषाण काल की कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। प्रथम हिमनदी युग, जावा मानव ईसा पूर्व 5 लाख वर्ष, क्या है, जावा मानव 5 लाख ईसा पूर्व वर्ष। द्वितीय हिमनदी युग आपका पीकिंग मानव, ये आपका 1,20,000 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व, ठीक है।
तृतीय हिमनदी युग आप नियंडरथल मानव या आपका 50,000 ईसा वर्ष पूर्व। चतुर्थ हिमनदी युग क्रोमैग्नन मानव या आपका 25,000 वर्ष ईसा पूर्व। उत्तर हिमनदी युग उत्तर पाषाण काल या आपका 10,000 ईसा वर्ष पूर्व। नवपाषाण युग नवपाषाण युग 5,000 ईसा वर्ष पूर्व। कांस्य युग कीट मेसोपोटामिया ये सभ्यता इसी समय की है या आपका 3500 ईसा वर्ष पूर्व। ठीक है 3500 ईसा पूर्व वर्ष। अब हम बात करते हैं मिस्र की सभ्यता की प्रमुख तिथियों की। 3000 ईसा पूर्व मिस्र के दोनों भागों का एकीकरण होता है। 2600 ईसा पूर्व खोपू और खेपरे। 2100 से 1788 ईसा वर्ष पूर्व ईसा पूर्व अमेहोतप प्रथम और अमेहोतप द्वितीय का शासन काल रहता है। 1680 से 1580 ईसा वर्ष पूर्व ईसा वर्ष हिस्कोस का अधिपत्य होता है। आपका 1580 से 1090 ईसा पूर्व अहमोस प्रथम थुटमोस द्वितीय का समय रहता है। अगर हम लोग मेसोपोटामिया की प्रमुख तिथियों की बात करें तो 2850 से 2450 ईसा पूर्व सुमेर नगर राज्यों का उद्भव होता है। सुमेरी नगर राज्यों का उद्भव होता है। 2450 से 2270 ईसा वर्ष पूर्व अक्कदी साम्राज्य सारगोन का समय। ईसा पूर्व 1800 से लेकर 1600 बेबीलोनी साम्राज्य और हम्मुराबी का उदय होता। 1600 से 1200 ईसा पूर्व हिट्टाइट साम्राज्य। 900 से 612 ईसा पूर्व असीरी साम्राज्य और असुर बनीपाल। 612 से 550 ईसा पूर्व चांडियन साम्राज्य नेबूकदनेज़्ज़ार। 550 से 331 ईसा पूर्व फारसी साम्राज्य साइरस डेरियस प्रथम और जेरेक्सेस। ठीक है ये आपकी मेसोपोटामिया की प्रमुख तिथियां थी। अब हम बात करते हैं चीनी इतिहास की प्रमुख तिथियों के बारे में। 1050 ईसा पूर्व से 256 ईसा पूर्व चीन वंश कन्फ्यूसियस लाओ त्से का समय रहता है। आपका 221 से 206 ईसा पूर्व चिन इन वंश चीन की बड़ी दीवार का निर्माण इसी वंश ने करवाया था। 206 से 220 206 बीसी से 220 एडी याद रखिए ईसा पूर्व 206 ईसा पूर्व से 226 ईस्वी तक हान वंश रहता है। शासकीय सेवा का आरंभ इसी ने किया था। 618 से 907 ईस्वी एडी का समय चल रहा है। ठीक है ईस्वी का चीनी साम्राज्य का विस्तार होता है। बारूद काष्ट बिलौ मुद्रण इसी समय होता है। 960 से 1279 ईस्वी सुंग वंश आता है। उन्नत व्यापार चित्रकारी हस्तकलाएं का निर्माण इसी के समय में होता है। 1217 से 1368 ईस्वी में मंगोलों का आधिपत्य होता है। 1368 से 1644 ईस्वी मिंग वंश सुंदर चीनी मिट्टी के बर्तन इसी समय बनते हैं। 1644 से 1912 ईस्वी चिंग वंश मांचू वंश का अधिपत चीन में प्रभाव मंडल बॉक्स और बिंदु इसी समय होता है। 1912 से 1949 चीनीगढ़ राज्य सन यात सेन चांग काई से का समय रहता है। 1949 में समकालीन चीन यानी कि मुख्य भूमि पर साम्यवादियों का नियंत्रण होता है। माओ त्से तुंग फार्मोसा की राष्ट्रवादी सरकार बनती है। 1949 में आपका चीन आज़ाद होता है और अपना देश 1947 में होता है। फिर भी हम लोग चीन से पिछड़े हुए हैं। चीन हम लोगों से आगे निकल गया। अब बात करते हैं हम लोग यूनानी इतिहास की प्रमुख तिथियों के बारे में। एक तो हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे नेता होते हैं कि जितनी देश की कमी रह जाती है पिछड़ने में ये पूरी कर देते हैं। ठीक है अब हमारे देश में अगर
लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता होते तुम्हारा देश पता नहीं कहाँ पहुंच चुका होता अभी तक। लेकिन अब देखते हैं आप लोग कि जहां देखे खा खा खाओ। 2400 ईसा पूर्व से 1450 ईसा पूर्व ये आपका कीट की सभ्यता और मीनोस। 1450 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व इजियन अधिपत ट्रोजन युद्ध होता है। 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व डोरियन आक्रमण। 900 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व यूनानी उपनिवेशीकरण। 650 ईसा पूर्व एंथेक्स का अभ्युदय डेक्रो सोलोन पीसी स्टेटस क्लिस्थनीज का समय। 490 से 479 ईसा पूर्व फारस का युद्ध होता है। मारिस्थोन थार्मोपोली सालमी का समय रहता है। 460 से 439 ईसा पूर्व एंथेंस का स्वर्णयुग पेरिक्लीज। 432 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व 432 से 402 ये आपका पेलोपोनेशियाई युद्ध होता है। समय 346 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व मकदूनिया का अधिपत फिलिप सिकंदर का समय रहता है। अभी मैं कुछ ही दिन पहले अभी 2-3 दिन की बात है मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, पता है उसमें मनोज वाजपेयी थे बीजेपी के दिल्ली के सीएम पद के उम्मीदवार हमेशा से रहे हैं अभी। ठीक है तो मनोज वाजपेयी आप लोग इतना नाम तो जानते होंगे भोजपुरी में एक्टर भी रहे हैं। ठीक तो उनसे पूछा जा रहा था कि दिल्ली के लिए आपके पास योजनाएं क्या हैं आप दिल्ली को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो उनका इंटरव्यू देखिएगा आप लोग मैं आज फेसबुक पेज पर अपने पर शेयर कर दूंगा वहां देख लेना। तो उनके पास उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये कोई गली से उठाया हुआ आदमी है जिसे अपनी देश को आगे बढ़ाने के लिए या अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए नज़रिया ना हो जिसके पास नीति ना हो वो नेता कैसे बन सकता है। लेकिन फिर भी नेता है ना तो मुझे लगता है 80-85% नेता तो वो बनते हैं जिनके पास कोई भी नीति नज़रिया नहीं रहता है। ठीक है एक वाक्य मैंने कहीं पढ़ा था कि आपकी काबिलियत तब तक धरी की धरी रह जाती है जब तक कि आपको मौका ना दिया जाए। काबिलियत तो आप में है लीडरशिप का लेकिन आपको कहाँ मौका मिलता है। सब कुछ कर गुजरने का आपके अंदर काबिलियत है लेकिन मिलता मौका मिले तब तो काबिलियत दिखाओगे वरना आपकी काबिलियत रखी रह जाएगी। तो इसी तरह अब बात करते हैं रोमन साम्राज्य की प्रमुख तिथियों के बारे में। 31 ईसा पूर्व से 476 ईसा पूर्व साम्राज्य काल अगस्टस नीरो एरोजन हेडियन मार्कस ओरिलियस। 192 से 284 ईस्वी एडी का समय चलने लगा डायोक्लेटियन कॉन्टेटाइन। तीसरी से छठी शताब्दी ईस्वी बर्बर जातियों का आक्रमण बिस्कोथ एलिरिक ह्यूड अट्टिला बंडाल। 476 ईस्वी रोम का पतन ओडोसर थियोडोरिक। 395 से 1453 ईस्वी में पूर्व में साम्राज्य जस्टियन। अब चलते हैं हम लोग धर्म युद्ध की ओर। धर्म युद्ध आपका 1095 ईस्वी में आरंभ होकर लगभग 2 शताब्दियों तक संपूर्ण यूरोप में चला। ये धर्म युद्ध आपका 1095 ईस्वी में आरंभ होता है और ये आपका 2 शताब्दियों तक संपूर्ण यूरोप महाद्वीप में चलता है। इस युद्ध का नारा क्या था? ईश्वर यह चाहता है। तो याद रखना आपसे पूछे कि अगर धर्म युद्ध कब से शुरू हुआ था 1095 में कहाँ हुआ था संपूर्ण यूरोप में। इसका नारा भी पूछ सकता है तो आपको याद रखना है ईश्वर यह चाहता है ईश्वर यह चाहता है। यह धर्मयुद्ध सशक्त तीर्थ यात्राएं थी जो पवित्र भूमि यरूशलम को मुसलमानों से मुक्त कराने के लिए की जाती थी। धर्मयुद्ध का कारण भी पूछ सकता है आपसे तो ईसाई पोप उर्बान ने अपने प्रवचन में ईसाइयों को मुसलमानों से लड़ने को कहा था। उनके शब्दों में यरूशलम
का एक एक स्थान ईसा द्वारा उच्चारित शब्दों से और उसके किए गए चमत्कारी कार्यों से प्रभावित हो रहा है। यरूशलम। मुसलमान पहले ईसाई धर्म के प्रति सहिष्णु थे, किंतु बाद में असहिष्णु हो गए। सल्जुक तुर्क मुसलमान बन गए थे तथा उन्हें तुर्की से निकाल दिया गया था। अधिकांश ईसाइयों को विश्वास था कि इस लोक में कष्ट रहने से उन्हें परलोक में लाभ मिलेगा। क्या होगा? परलोक में लाभ मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि आदमी, आप सोचिए, आप भी कहते हैं कि कर्मों की सजा मिलती, हर वही धरती पर इस पर हर कोई कहता है कि कर्मों की सजा मिलती है, लेकिन फिर भी नहीं डरते हम लोग। हम लोग सोचते हैं कि आज का आज किया जाए और आगे कर्म की कर्म से देखेंगे, वरना अगर हम कर्मों से डरते होते तो शायद इतना गलत ना चलते हम लोग, किसी को ना सताते हम लोग। ठीक है, तो मुझे लगता है कई बार कि इसी जन्म में सजा मिलती है। कैसे? ऐसे कि आपने देखा होगा कई बार ऐसे ऐसे लोगों को मरते हुए देखा है जिन्हें पानी पिलाने वाला कोई नहीं था, सड़ सड़ के गल गल के मर रहा है। कई लोग तो एक्सीडेंट होता है रखे रह जाते हैं, ना तो मरते हैं ना ही जीते हैं, ना तो बोलने के लिए आवाज़ बचती है ना रोने के लिए आँखें, इस तरह से लोग मरते हैं। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जिनके गलत कर्म रहे हैं। तो यही तो सर सजा है कर्मों की। अधिकांश ईसाइयों को विश्वास था कि इस लोक में कष्ट सहने से उन्हें परलोक में लाभ होगा। पूर्व की अत्यधिक समृद्धि की कहानियां ने पश्चिम की बहुत से किसानों को इस युद्ध में भाग लेने को प्रेरित किया। क्या किया? प्रेरित किया। अब हम बात करते हैं धर्म युद्ध के परिणाम क्या रहे, क्योंकि जब कोई काम आप लोग करते हैं तो उसका परिणाम ही भी तो रहता है। जैसे आप परीक्षा देते हैं तो उसका रिजल्ट तो कुछ आता है कि नहीं आता है। धर्मयुद्ध ईसाइयों की पवित्र भूमि यरूशलम पर अधिकार कर पाने में असफल रहा, लेकिन इससे नए यूरोप का निर्माण अवश्य हुआ। ईसाई लोग युद्ध में असफल अवश्य हुए, किंतु उन्हें अरबों के सहयोग से एक नई सभ्यता को समझने का मौका अवश्य मिला। किन्हें? ईसाई लोगों को। चिकित्सा विज्ञान, दर्शन, भूगोल और कला में मुसलमानों और ब्राइजेंटियन की उपलब्धियों ने यूरोप को प्रेरणा दी। ये आपके पीसीएस यूपीपीसीएस उसमें शामिल हो गया, एमबीपीएससी, स्टेट पीसीएस जो भी एग्जाम होते हैं, और फिर सिविल सर्विस में आपकी इस तरह के लिखने के लिए आंसर क्वेश्चंस देते हैं, आंसर हमें लिखना पड़ता है, तो ये पॉइंट वहाँ भी आप लोग याद रख कर डाल सकते हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं उसके लिए। अब यूरोपीय नागरिक दिक्सूचक का प्रयोग करने लगे हैं। आधिकारिक यूरोपीय महिलाएं मखमल रेशम, छींट, दमस्क के चौंगे पहनने लगी। व्यापारियों को इस बहाने पूर्व से व्यापार बढ़ाने का अवसर भी मिला। इटली के नगरों के व्यापारी पवित्र भूमि में लड़े जाने वाले युद्धों के लिए जहाजों का निर्माण करके उन्हें आवश्यक सामग्रियां बेच बेच कर मालामाल हो गए। लंदन, पेरिस, कोलोन, हैम्बर्ग मुख्यतः व्यापार बढ़ जाने के कारण बड़े नगर बन चुके थे। सामंततंत्र को दुर्बल करके राजा की शक्ति को बढ़ा दिया गया था, इसी का परिणाम था। अब बात करते हैं हम लोग सामंतवाद के बारे में। किसके? सामंतवाद के बारे में। सामंतवाद को अंग्रेजी में हम लोग फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। सामंतवाद को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा कुछ भाग जो सेवा करने की कुछ शर्तों पर उसका स्वामी किसी सामंत की खेती के लिए देता है था। इस समाज में खेती ही शक्ति का एकमात्र स्रोत थी। कुल मिलाकर यह भू स्वामित्व एवं व्यक्तित्व संबंधों पर आधारित एक सामाजिक पद्धति होती थी, जिसमें परस्पर अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्धारण होता था। सामंतवाद के दो मौलिक विचार थे। कौन कौन से हैं विचार? प्रत्येक व्यक्ति का कोई स्वामी होना चाहिए जो उसकी रक्षा कर सके तथा जिसकी वह बदले में सेवा कर सके, यानी कि राजा की तरह ले सकते हैं। नेताओं को मत जोड़िए उसमें, क्योंकि नेता वोट पाने के बाद आपकी भूल जाते हैं आपको, तो उस समय के राजा को लीजिए जिस तरह से आप अशोक को ले सकते हैं, अकबर को ले सकते हैं,
कि वो अपनी जनता का भी उतना ही ख्याल रखते थे जितना जनता उनका रखती थी। सभी राजनीतिक एवं सामाजिक संबंधों का आधारभूत नियंत्रण था। वस्तुतः भूमि का अधिकार या भू नियंत्रण इस संबंध का एकमात्र आधार था। संकट के समय इसी ने से पारंपरिक सेवा एवं सुरक्षा भी का काम भी होता है। पता है आप लोगों को, अगर कोई हमारे ऊपर 10 रुपये खर्च करता है तो हम अगर उस पर 5 रुपये भी खर्च कर दें तो इस तरह के जो भी रिश्ते होते हैं, चाहे फिर कोई भी मानवता हो, हमेशा बनी रहेगी। जैसे कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो उसके भरोसे को आप बनाए रखिए, क्योंकि आप उसका भरोसा तोड़ के कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे जिंदगी में। मैंने ऐसे एक व्यक्ति को नहीं, हजारों व्यक्तियों को देखा है अपनी पर्सनल जिंदगी में, जो किसी को भरोसा तोड़ के या किसी को नीचे गिराकर आगे बढ़कर जिंदगी भर रोते रह गए। मैं कई पर्सनल ऐसे अपने आसपास देखता हूँ जिनसे हम बात भी हुई है, वो आज भी रोते हैं। कई तो इस तरह घुट घुट के चल बसे, मर चुके। ठीक है, क्योंकि आदमी के दिमाग पर जब एक बात सवार हो जाती है और उसे समझ में आता है, देखिए लास्ट तक आता है समझ में। आज शायद हम जवानी के इस जोर में सब कुछ भूल जाएं, लेकिन एक समय हम सोचेंगे जरूर कि आखिर हम ने क्या पाया जिंदगी में। तो इस तरह से चलिए कि आपको बाद में रोना ना पड़े, सोचना ना पड़े। और एक तो प्रकृति का नियम है कि जो आप बदले में दोगे वही पाओगे। ठीक है, तो आज किसी को आप रुलाओगे, कल आपको कोई रुलाने वाला मिलेगा। यहाँ मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, उस हकीकत को बयां कर रहा हूँ जो मैं देखता हूँ जिंदगी में, लोगों को देखता हूँ। सब कुछ पा लिया, हमारी ये तुम्हारी औकात से बढ़कर उनने सब कुछ पाया, फिर भी आज बैठकर रोते हैं। तो इतना मत कही करिएगा। वो आपने कई जगह पढ़ा भी होगा कि अगर आप किसी को रुलाकर चैन से सो लेते हैं तो आप इंसान कभी नहीं हो सकते हैं, मानव कभी नहीं हो सकते हैं, एक जिंदा लाश हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें भावनाएं नहीं है, केवल जी रहा है। अब चलते हैं हम लोग पवित्र रोमन साम्राज्य के किस पर, पवित्र रोमन साम्राज्य पर। प्राचीन रोम के निवासी एटिस्कन जाति वंश के थे। जो प्राचीन रोम के निवासी थे एटिस्कन जाति वंश के थे। रोमवासियों की भाषा थी लेटिन। पूछ सकता है कई बार, रोमवासियों की भाषा कौन थी? लेटरन, लेटिन। और जाति कौन थी? एटिस्कन। रोम के प्राचीनतम निवासियों के वंशज को प्रेटिसियन कहलाते थे। रोम में गणतंत्र की स्थापना के बाद सीनेट की अपेक्षा कृत अधिक शक्तिशाली बना रहा। नवीन साम्राज्य प्राचीन से ही सर्वथा भिन्न था। चर्च और ईसाई मत की शक्ति की रक्षा एवं विस्तार के लिए केवल सिद्धांत ही सीमित था, इसलिए इसे पवित्र रोमन साम्राज्य कहते हैं। मध्ययुगीन पश्चिमी साम्राज्य ना तो प्राचीन रोमन साम्राज्य जैसा था, न ही उसका वह पुराना सिलसिला था। वह एक नया साम्राज्य था जिसका केवल नाम ही उस प्रकार का था। पोप लियो तृतीय ने 800 ईस्वी में चार्ली मैग्ने सालमा का रोमन सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया था। बाद में जॉन 12वीं ने जर्मन ऑटो महान का पवित्र रोमन सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया, जॉन 12वीं ने। अब हम बात करते हैं पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण, रेनेसान का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म। सन 1300 से 1600 ईस्वी तक का यही काल वह काल था जिसमें अनेक परिवर्तन हुए। इसी प्रभाव में से मध्ययुग आधुनिक युग में आपका बदल गया। पुनर्जागरण का प्रारंभ होता है आपका इटली से। कहाँ से? इटली से। इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण यह था कि यूरोप और पूर्व के देशों के बीच हुए व्यापार के पुनरुत्थान ने इटली के शहरों को सर्वाधिक संपन्न बना दिया था। यह समूचा व्यापार लगभग पूर्णतः इटली के शहरों के नियंत्रण में था। बात करते हैं पुनर्जागरण के कारण। आखिर पुनर्जागरण हुआ तो इसके कारण भी तो रहे हुए।
आप अगर किसी से लड़ते हैं तो उसके कारण भी तो होंगे, बिना लड़ कारणों के लड़ देते हो। धर्म युद्ध के कारण ईसाइयों का परिचय पूर्व की इस्लाम संस्कृति से हुआ। उल्लेखनीय है कि उस समय मुसलमानों का सामाजिक विकास ईसाइयों से अधिक था। इंग्लैंड, फ्रांस आदि राष्ट्रों के अनेक विद्यार्थी काहिरा मिस्र, कुफरा लीबिया, कार्डोना स्पेन आदि मुस्लिम विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए गए हुए थे। वापस लौटने पर पश्चिमी यूरोप के देशों में उन्होंने पूर्व के ज्ञान और नए विचारों का प्रसार भी किया। कुस्तुनतुनिया के पतन से ज्ञान विज्ञान का प्रसार संपूर्ण यूरोप में होता है। पुनर्जागरण से पहले छापाखानों, कागज, बारूद, नागरिक दिक्सूचक यंत्र आदि का आविष्कार हुआ। इससे पश्चिमी यूरोप में पुनर्जागरण की गति तीव्र हुई। इटली का संपन्न नगर फ्लोरेंस पुनर्जागरण का प्रथम केंद्र था। इसके शारीरिक कोसनी मेडिसी, लॉरेंजो मेडिसी महाप्रभु के नाम से विख्यात थे, क्योंकि उन्होंने बहुत से विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। आपको पता होगा शायद, अगर आप लोग सोचते हैं तो, कि हमारे यहाँ आज़ादी के जो भी 1857 में सबसे पहले विद्रोह होते हैं तो उसका यही कारण था, क्योंकि 1776 में आपका अमेरिका को आज़ादी मिल चुकी थी। इस तरह से कई विद्रोह विदेशों में हो रहे थे। तो जब हम सुनते हैं कि किसी ने नया फोन लिया है तो हमारे मन में भी तो एक नया फोन लेने की चाहत बढ़ती है। तो यही तो पुनर्जागरण था कि हम भी उन जैसे बनने लगेंगे, ठीक है, बदलना। नाभिक दिक्सूचक यंत्र के आविष्कार की सहायता से कोलंबस पश्चिम की ओर से 1492 में अटलांटिक के पार पहुंचा कोलंबस। अनेक कठिनाइयों और खतरों का सामना करके ने के बाद वह भारत के बदले वेस्ट इंडीज पहुंच गया। कहाँ? भारत के बदले वेस्ट इंडीज पहुंच गया। कहते हैं कि कोलंबस आपका भारत की खोज में निकला हुआ था, लेकिन वो भूलकर अमेरिका की धरती पर पहुंच गया। तो एक नई दुनिया की खोज कोलंबस ने कर दी 1492 में। उसके समय से इस नई दुनिया की एक बार समुद्री यात्राएं की हैं। उसके समय से कई से इस नई दुनिया की कई बार आपकी समुद्री यात्राएं की। इन्हीं वर्षों में पुर्तगालियों ने अन्य मार्ग द्वारा एंडीज पहुंचने का प्रयत्न किया और अंततः 1498 ईसा में वास्को डी गामा ने भारत भूमि पर कदम रखे। 1519 से 1522 तक के बीच पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने का श्रेय मैगलैंड को है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग पॉइंट पकड़ना सीख जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चंस बनता है आप सॉल्व करने में पूर्णता सक्षम होंगे। कैसे? अब जैसे आपसे पूछे कि पृथ्वी के चारों ओर की परिक्रमा करने का श्रेय किसे जाता है, तो मैगलैंड को याद रख सकते हैं। इसने 1519 से 1522 के बीच पृथ्वी के चारों ओर की परिक्रमा करने की थी। ऐसा करके उसने पृथ्वी गोल है कि नई धारणा को सत्य प्रमाणित किया। कुछ आपके एक खोज व समन्वेषण के सीमा चिन्ह भी हैं, इन्हें भी देख लीजिए। एक खोजकर्ता का नाम है, प्रायोजक देश, खोजे गए क्षेत्र। प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर ये पुर्तगाल का था, इसने अफ्रीका की खोज की थी। बार्थोलोमियो डियाज ये भी पुर्तगाल था, आसांतरीप की खोज की थी। वास्को डी गामा ये पुर्तगाल था, भारत की खोज की थी। पेट्रो ए कैम्ब्रेल ये पुर्तगाल भी था, ब्राजील की खोज की थी। अमेरिगो बिस्पोस्की ये पुर्तगाल और स्पेन का था, दक्षिण अमेरिका की खोज इसने की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था, इसने अमेरिका की खोज की थी, याद रखना आपको 1492 में। वास्को डे बेलबोआ स्पेन का था, प्रशांत महासागर की खोज इसने की थी। फर्डिनेंड मैगलैन ये स्पेन का था, पृथ्वी की परिक्रमा की थी इसने। हर्नेंडो कोर्टेज ये स्पेन का था, मैक्सिको की खोज की थी। हर्नेंडो पिजारो स्पेन का था,
पेरू की खोज की थी। पोंस डी लियोन स्पेन का था, फ्लोरिडा की खोज की थी। सेबेसियन कैबट ये इंग्लैंड का था। लिब्राडोर उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। वाल्टर रेले इंग्लैंड का था, वर्जीनिया की खोज की थी। जियो बनी डी बेराजनो फ्रांस का था। जैक क्वीज कार्टियर ये भी फ्रांस का था। हडसन नदी व मैनहट्टन द्वीप की खोज की थी इन्होंने। सैमुअल डी चैम्पलेन ये फ्रांस का था। सेंट लॉरेंस नदी व कनाडा की खोज इसने की थी। इन्हें याद रखिए, कभी भी पूछ लेता है इनसे भी क्वेश्चंस आपका बन जाता है। अब हम बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन की, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन शब्द यूरोप में के इतिहास में पुनर्जागरण के उत्तरकाल में हुए दो प्रमुख परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। इनमें आपका प्रथम था प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार। इसके कारण ईसाई धर्म में फूट पैदा हुई। अनेक राष्ट्र रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गए और उन देशों में सामान्यतया राष्ट्रीय स्तर पर पृथक चर्चों की स्थापना हुई। दूसरा परिवर्तन था आपका रोमन कैथोलिक चर्च के बीते हुए उन सुधारों से संबंधित, जिन्हें आमतौर पर कैथोलिक धर्म सुधार या पिति धर्म सुधार के नाम से जाना जाता है। फिर आपका धर्म सुधार आंदोलन के कारण, पुनर्जागरण ने धर्म सुधार आंदोलन को प्रभावित किया, क्योंकि पुनर्जागरण से संपूर्ण यूरोप को एक नई दिशा मिली। लोगों के अंदर तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि हुई। व्यापारी वर्ग धार्मिक कानूनों से परेशान था। 16वीं सदी तक अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर व्यापार होने लगा था इस समय, ठीक है। ये आपके धर्म सुधार आंदोलनों कारणों की बात कर रहे हैं हम लोग। व्यापार व्यवसाय के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। व्यापारी या फिर सेठ साहूकार ब्याज पर पूंजी लगाना पसंद करते थे, लेकिन चर्च सूदखोरों का विरोधी था। महान पश्चात विभाजन, दो पॉप का, कौन कौन से दो पॉप निर्वाचन हुआ। एक आपका था फ्रांस प्रतिनिधि, फ्रांस का प्रतिनिधित्व कर रहा था। दूसरा इटली का प्रतिनिधित्व कर रहा था। परिणाम स्वरूप संघर्ष आरंभ हो गया और कुछ ने परस्पर सशक्त विद्रोह आरंभ कर दिया और अंततः जन समुदाय में गिरजाघर के प्रति आदर और सम्मान की भावना समाप्त हो गई। अब हम बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलनों के परिणाम क्या रह गए यहाँ के। धर्म सुधार आंदोलन ने राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाया, यानी कि आपके राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को बढ़ाया। केवल फ्रांस और स्पेन को छोड़कर यूरोप के अधिकांश देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हुई। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच धर्म के नाम पर युद्ध हुआ, जिसे आप लोग 30 वर्षीय युद्ध कहते हैं। ये आपका 1648 से 1648 ईस्वी तक चला। याद रखना इस पॉइंट को, क्योंकि कई बार पूछ लेता है। युद्ध का केंद्र क्या था? जर्मनी। ईसाई समुदाय की एकता खंडित हो गई। इसमें ईसाई समुदाय कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो गया। सार्वभौमिक गिरजाघर के स्थान पर राष्ट्रीय गिरजाघर स्थापित किए गए। ईसाई धर्म कई संप्रदायों में बढ़ गया। समय लूथर ने जिस धर्म को चलाया वह लूथरियन कहा गया। ज्वेंगली ने जिस संप्रदाय को चलाया वह ज्वेंगली संप्रदाय कहलाया। काल्विन ने प्रेसबिटेरियन संप्रदाय को जन्म दिया। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय भाषाओं का विकास हुआ। अब तक लेटिन भाषा की ईसाई जगत की भाषा समझी जाती थी, लेकिन धर्म सुधार के बाद परिस्थितियां बदल चुकी थी और स्वयं सुधार के स्तंभ मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। किसने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में, किस जर्मन भाषा में किसने किया? मार्टिन लूथर ने। लैटिन का महत्व जाता रहा। धर्म संबंधी सभी साहित्य राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवादित
एवं विकसित होने लगी। ईसाई धर्म के संप्रदाय प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, लूथरियन, जंगली, प्रेसबिटेरियन आदि थे। ये संप्रदाय ईसाई धर्म के संप्रदाय थे। अब हम बात करते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में। याद रखिए, अगर ऐसे आप लोग पढ़ रहे हैं, डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो कक्षा 9वीं की बुक NCERT की हम लोग बात कर रहे हैं समकालीन विश्व के बारे में, उसे आप लोग देख लें। NCERT की पूरी बुक्स आपकी लगभग इसी पर आधारित है, तो उसमें आप जा कर देख सकते हैं और डिटेल से जान सकते हैं। फ्रांस की क्रांति में 14 जुलाई 1789 में बास्टिल के किले पर उत्तेजित फ्रांसीसियों द्वारा किए गए आक्रमण के साथ ही फ्रांसीसी राज्य क्रांति का आरंभ हो गई। उस समय लुई सोलहवा फ्रांस का राजा था। तो आपसे पूछ सकता है कि कब शुरू हुई और इस समय फ्रांस का राजा कौन था, फ्रांस की राज्य क्रांति, तो आप लोगों को याद रखना है लुई सोलहवा फ्रांस का राजा था। टूलेरेज राजमहल जहां राजा रहा करता था, उस स्थान को क्या कहते थे, टूलेरेज। क्रांति का स्वरूप कैसा था? फ्रांसीसी क्रांति स्वेच्छाचारिता या एक तंत्र और कुलीन तंत्र के विरुद्ध फ्रांसीसी जनता का विद्रोह था। जिस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन रोमन कैथोलिक चर्च के अत्याचार के विरुद्ध था, उसी प्रकार फ्रांस की राज्य क्रांति सक्षम और कुलीन तंत्र के विरुद्ध थी। क्रांति के अगर हम लोग कारणों की बात करें, तो इसके कारणों में शामिल थे लुई सोलहवा सदाचारी एवं अच्छी प्रकृति के होने के बावजूद भी अपने सामंतों और अपनी रानी मेरी अंतोवानेत के बस में था, यानी कि इसकी कम चलती थी और सामंतों और इसकी रानी की दबदबा कुछ ज़्यादा ही था। उसने अपने योग्यमंत्री टारगोट तुर्गों को 1776 में बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उसके प्रशासन में सुधार करने तथा सामंतों की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का यत्न किया था उन्होंने। इस प्रकार लुई 15वां एवं 16वां आक्षम और व्यर्थ सिद्ध हुए तथा वे अपने भ्रष्ट मंत्रियों एवं चापलूसों और स्वार्थी सामंतों के वश में थे। लुई 16वां और लुई 15वां 18वीं सदी में फ्रांस में लोगों की कोई प्रतिनिधि सभा नहीं थी। फ्रांस का शिक्षित वर्ग इस दोष को अनुभव करता था और अपने देश के इस राजनीतिक ढांचे से असंतुष्ट था। क्या था? असंतुष्ट था। क्रांति या विद्रोह तभी तो होता है जब आप असंतुष्ट हो जाएं, यानी कि आप किसी व्यवस्था से आप पूरी तरह सहमत ना हो, तभी तो आप उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करेंगे। फ्रांस में अधिकांश भूमि के मालिक सामंत ऊंचे पादरी थे, जो संख्या में थोड़े होने पर भी विशेष सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करते थे। यानी कि आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ अभी एक खास वर्ग के पास देश की कुल दौलत का यानी कि एक बड़ा हिस्सा है, कुछ ही लोगों के पास, यानी कि कुछ परसेंट में ले सकते हैं। आप सोचिए कि ये जिनके पास नहीं है वो एक विद्रोह कर दें इनके खिलाफ, नई क्रांति लाएं, तो ये इसी तरह हो रहा था कि सामंत और ऊंचे पादरियों के पास भूमि का अधिकांश हिस्सा था, लेकिन एक संख्या में क्या थे, बहुत थोड़े से थे। चर्च एक निकम्मा परंतु धनी संस्थान बन चुका था। फ्रांस के समूचे भूभाग का 5वां भाग चर्च की संपत्ति था और शेष भाग की उपज का 10वां भाग भी चर्च का ही होता था। फ्रांसीसियों ने अमेरिकी स्वातंत्र युद्ध में भी भाग लिया, क्योंकि इंग्लैंड से उसकी पुरानी शत्रुता थी, यानी कि दुश्मनी थी। फ्रांस के सामंत वर्ग स्थिति एवं व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे, क्योंकि वे सुविधाभोगी थे। कैसे थे? सुविधाभोगी थे। वो किस लिए चाहेंगे? आप ही सोचिए कि आपका मजा हो तो आप लोग किस लिए चाहेंगे कि बदले वो मजा छूट जाए और हमें मेहनत करनी पड़े, नहीं ना। अब बात करते हैं क्रांति के परिणाम क्या रहे हैं। फ्रांस में सामंतवाद को समाप्त किया गया। यूरोप में यह व्यवस्था हजार वर्षों से चली आ रही थी। इससे कुलीनों के विशेष अधिकार समाप्त हो गए और कर की समान व्यवस्था स्थापित हुई।
क्रांति के दिनों में फ्रांस का रोमन कैथोलिक चर्च निष्क्रिय कर दिया गया। उसकी जगह पर राज्य द्वारा संपोषित समर्पित धर्मनिरपेक्ष सामाजिक एजेंसियों की स्थापना हुई, यानी कि सबके धर्म को बराबर मानने लगे। नेपोलियन सत्ता में आया तो नेपोलियन के कानून चलाए गए। इस कानून की बहुत सी बातें लंबे समय तक चलन में बनी रहीं, उनमें से कुछ तो आज भी बरकरार हैं, यानी कि आज भी बरकरार हैं। क्रांति, फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्र शब्द का आधुनिक अर्थ स्पष्ट किया। जिस तरह से आज हम एक देश को राष्ट्र मानते हैं, इस शब्द का आधुनिक अर्थ किसने स्पष्ट किया था, किस क्रांति ने? फ्रांस की क्रांति ने। राष्ट्र केवल उस प्रदेश को नहीं कहते जहाँ वहाँ के लोग रहते हैं, बल्कि स्वयं उन लोगों को कहते हैं, को ही कहते हैं जो वहाँ रहते। राष्ट्र केवल उस प्रदेश को नहीं कहते जहाँ वहाँ के लोग रहते हैं, बल्कि स्वयं उन लोगों को कहते हैं, लोगों को ही राष्ट्र कहते हैं। समझ गए? यानी कि उस धरती को नहीं कहते हैं, उन लोगों को ही राष्ट्र कहते हैं। अब फ्रांस केवल वह प्रदेश देश प्रदेश नहीं रहा जिसे लोग फ्रांस के नाम से ही जानते थे, बल्कि फ्रांस का अर्थ हो गया फ्रांस के लोग, यानी कि फ्रांस लोगों का फ्रांस समझा जाने लगा। संप्रभुता संपन्न होने के विचार के कारण ही फ्रांस की सैनिक शक्ति प्रबल हो सकी और संपूर्ण राष्ट्र उस सेना के साथ संगठित हो गया जिसके सैनिक क्रांतिकारी क्रांतिदर्शी नागरिक थे। जैकोबिन संविधान के अंतर्गत समस्त लोगों को मताधिकार विद्रोह करने का अधिकार दिया गया। नेपोलियन की हार के बाद फ्रांस का कुलन शासक राजघराना फिर राजगद्दी पर आ गया। जो कुलीन शासक थे यहाँ के, राजघराने फिर राजगद्दी पर आ गए। यद्यपि कुछ ही वर्षों बाद 1830 में फिर फ्रांस में एक क्रांति हुई और 1848 में राजतंत्र की फिर उखाड़ फेंका गया। राजतंत्र को यहाँ से फिर उखाड़ फेंका गया, हालांकि वह जल्दी ही फिर शक्ति संपन्न हो गया राजतंत्र। अंत में 1871 में गणतंत्र की पुनः स्थापना की गई। मतदान और प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से जनसाधारण की सभी समस्याओं का हल नहीं निकला। किसानों को भूमि मिल गई, किंतु मजदूरों और कारीगरों की क्रांति के मुख्य संचालन वही थे। शीघ्र ही फ्रांस में से एक हो गया उन देशों में से एक हो गया जिसमें सामाजिक समानता और समाजवाद के विचारों ने पहली बार एक नई किस्म के राजनीतिक आंदोलन को उठाया था। फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों की बात करें तो सामंतवाद की समाप्ति, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की धारणा, नवीन कानून, सैन्य बल पे बल, मताधिकार और गणतंत्र की स्थापना, ये आपके फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम रहे। पूंजीवाद का विकास, इसे भी आप लोग देख लीजिए। पूंजीवाद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, आधुनिक युग की एक प्रमुख विशेषता पूंजीवाद है। क्या है? पूंजीवाद है। पूंजीवाद को परिभाषित करते हुए जे एन हॉब्सन ने कहा कि पूंजीवाद एक औद्योगिक संगठन है जिसमें नियोक्ताओं की एक कंपनी या एक नियोक्ता जिसके पास धन और वह उस धन को वह कच्चे मालों एवं उपकरणों को प्राप्त करता है तथा श्रम लगाता है, मुनाफे के लिए बेहद पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करता है। यहाँ आप लोगों को अगर साधारण भाषाओं में हम लोग पूंजीवाद की बात करें, जैसे आप एक बस खरीदते हैं, ठीक है, वहाँ आप लोग ड्राइवर रखते हैं, चलाने वाला ड्राइवर, कंडक्टर रखते हैं, क्लीनर रखते हैं, तो आप उन लोगों में अपनी पूंजी नहीं बांटोगे, उन्हें एक खास वेतन दोगे, यानी कि 2000 रुपये महीना, 10000 रुपये महीना, और जितना भी फायदा होगा उस बस से आप अपने पास रख लेंगे। तो ये आपका पूंजीवाद, यानी कि लाभ को आप ज़्यादा महत्व देंगे पूंजीवाद में, ठीक है। कुलीन वर्ग के शहरों में रहने से शहरी क्षेत्रों में जमीन के मूल्य में वृद्धि का एक अनिवार्य परिणाम हुई। इससे जमीन के मालिकों की आय में
आपत्या से वृद्धि हुई, इस प्रकार अर्जित आय से पूंजी बनने लगी। क्योंकि इस समय मालिक क्या करते थे कि आपने देखा होगा कि मजदूरों को आप रखते हैं, एक जमीन का टुकड़ा है आपके पास, उस पर काम कराने के लिए आप मजदूरों को रखते हैं, 100 रुपये दिन, 200 रुपये दिन काम करवाते हैं, लेकिन आप जो भी उसमें फ़ायदा होता है उसका प्रॉफिट आप किसी को नहीं देते हैं, आप अपने पास रख लेते हैं पूरा, बस उनको जो आप पहले तय कर लेते हैं वही उन्हें देते हैं। ठीक है, धर्म युद्ध के समय और उसके सीख बाद होने वाली वाणिज्य के अप्रत्यक्ष प्रसार के फलस्वरूप इटली के नगर इससे अधिक लाभान्वित भी होते थे पूंजीवाद से। इस कारण इटली के नगरों में ही आधुनिक पूंजीवाद का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण महाजनी पे था और बैंकिंग का पहले पहले उदय भी हुआ था। इस प्रकार महाजनी एक पेशा बनता गया और साथ ही आधुनिक पूंजीवाद व्यवस्था का एक अभिन्न अंग भी रहा। परिणाम क्या रहे हैं इसके पूंजीवाद के, तो परिणाम देख लेते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के परिणाम रहे हैं, पूंजीवाद के उदय के पश्चात उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होने लगा। इस प्रणाली के अंतर्गत कुछ नए उद्योग धंधे आरंभ हो रहे थे, क्योंकि गिल्ड प्रणाली इस उद्योग धंधों को नहीं चला सकती थी। खनिज उद्योग, मुद्रण, पुस्तक व्यवसाय, जहाज़ों का निर्माण आदि ऐसे ही उद्योग थे आपके। मध्यकालीन कृषि प्रणाली और मैनोरियल व्यवस्था पर पूंजीवाद का प्रभाव पड़ा। अपने जागीरों को अधिक लाभकर बनाने के उद्देश्य से अधिकतर जमींदार नगरों में रहने लगे थे तथा वाणिज्यिक व्यापार या फिर अपने कार्यों में अपना अधिकांश समय बिताने लगे थे। अपनी रियायतों में से उन्हें जो सेवाएं या सामग्री आदि मिलती थी उनके पहले नकदी मालगुजारी निर्धारित कर दी गई थी। तो ये थी आपकी पूंजीवाद। अब बात करते हैं वाणिज्यवाद, मर्केंटिलिज्म के बारे में। वाणिज्यवाद एक विशेष प्रकार की नीति थी। मोटे तौर पर वाणिज्यवाद का अर्थ होता है आर्थिक राष्ट्रवाद, अर्थात राष्ट्र की आर्थिक जीवन तथा उद्योग धंधों संबंधी कार्य एवं व्यापारिक कार्यकलापों का सरकार द्वारा नियमन, यह आपका वाणिज्यवाद है। वाणिज्यवाद का उदय होता है 1600 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं थीं, 1800 ईस्वी तक कायम रहीं। सिर्फ डच सरकार ने वाणिज्यवाद को नहीं अपनाया। किसने? डच सरकार ने। वाणिज्यवाद के सिद्धांत का सबसे अधिक पालन फ्रांस के चौदहवीं लुई चौदहवीं ने, इसका समय रहा है 1643 से 1715 तक शासनकाल में हुआ था। वाणिज्यवाद का एक पहलू राज्य द्वारा सोना चांदी की संचय की अनवरत कोशिश थी। इसे बुलियनवाद भी कहा जाता था। इसका अभिप्राय यह था कि किसी राष्ट्र की संपन्नता देश के अंदर जमा सोना चांदी पर निर्भर करती है। जिस देश के पास जितना अधिक सोना चांदी का खजाना होगा वह देश उतना ही अधिक संपन्न होगा। इसके द्वारा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ और लोगों ने पूंजी का संचय आरंभ किया वाणिज्यवाद के अंतर्गत। 1600 ईस्वी के बाद तो समुद्र पार के व्यापार के लिए अंग्रेजी, डच और फ्रांसीसी कंपनियों का तंता लग गया। इसमें सबसे सौभाग्यशाली एवं प्रख्यात हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने हमारे देश पर भी राज किया। इसकी स्थापना आपकी 1600 ईस्वी में हुई थी। वाणिज्यवाद। अब बात करते हैं हम लोग अमेरिकी क्रांति के बारे में। 18वीं शताब्दी की एक और महान क्रांति अमेरिकी क्रांति थी। इसके परिणाम महत्वपूर्ण एवं व्यापक थे। इस क्रांति के पश्चात अमेरिका स्वतंत्र हुआ और आज वह विश्व के सबसे शक्तिशाली, धनी और औद्योगिक रूप से उन्नत राष्ट्रों में अग्रणी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों ने ये सुना होगा कि अगर अमेरिका को छींक आती है तो बाकी देशों को सर्दी हो जाती है, इतना पावरफुल है आपका अमेरिका। अगर हम लोग अमेरिकी क्रांति के कारणों की बात करें तो इसके कारणों में शामिल थे प्राचीन औपनिवेशिक पद्धति एवं व्यापारिक पद्धति दमनकारी थी। इस समय अमेरिका के औपनिवेशिक राज्य बहुत समय तक यह स्थिति नहीं सह सके और इनका स्वाभाविक परिणाम युद्ध हुआ। इसके लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार थे। कौन कौन से कारण थे?
इंग्लैंड सरकार द्वारा नियुक्त उपनिवेशों के गवर्नर और प्रशासक सामान्यतः सैनिक अधिकारी होते थे। अमेरिका में इस्पात और ऊनी वस्त्रों का निर्माण सीमित या पूर्णतः बंद था, ताकि इस माल के ब्रिटिश निर्माताओं से स्पर्धा ना हो। ये क्या किया करते थे कि वहाँ के जो भी प्रोडक्शन होता था, वहाँ जैसे ऊन के वस्त्र वहाँ हैं, जैसे इस्पात का उद्योग है, तो उसे बंद कर देते थे जिससे इन्हें प्रतिस्पर्धा ना मिल सके। अगर वहाँ उत्पादन होता तो प्रतिस्पर्धी मिल जाता और इन्हें फायदा भी ना होता ब्रिटिश कंपनियों को। इसलिए जहाँ भी ये जाते थे पहले वहाँ के उद्योग धंधों को चौपट करते थे ये लोग। भारत में भी इन्होंने यही किया था। उपनिवेशों के आयात निर्यात एवं विनिर्माण पर ये सारे प्रतिबंध वहाँ के लोगों के लिए असह्य थे। अतः उपनिवेशिकों के विद्रोह का मुख्य कारण बनने में ये काफ़ी आगे थे। फिर आपका बॉस्टन टी पार्टी। उपनिवेशकों को शांत करने के लिए लॉर्ड नॉर्थ ने टाउनसेंड सैंड द्वारा लगाए गए सभी कर चाय के कर को छोड़कर हटा लिए थे। अमेरिकियों को सीधे ही भारत से भी चाय आयात करने की अनुमति थी, जिस पर इंग्लैंड में ड्यूटी नहीं दी जाती थी। परंतु अमेरिका में आयातित चाय पर 3 पेन प्रति पाउंड के हिसाब से ड्यूटी भी ली जाती थी, या ड्यूटी लगाने पर भी चाय पहले से सस्ती ही रहती थी। वे भी आपकी इसी के परिणाम रहे। वस्तुतः यह ड्यूटी केवल यह बताने के लिए ली जा रही थी कि ब्रिटिश सरकार को उपनिवेशों पर टैक्स लगाने का अधिकार है। उपनिवेश ब्रिटिश सरकार की चाल को समझ गए और वे टैक्स की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार के उपनिवेशों पर टैक्स लगाने के अधिकार के विरोधी थे। अतः जब 16 दिसंबर 1773 को चाय के जहाज बोस्टन के बंदरगाह पर आकर लगे, तो कुछ उपनिवेशकों ने रेड इंडियनों के बेस में 340 पेटी चाय समुद्र में फेंक दी। इस घटना को ही आप लोग बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोस्टन टी पार्टी। इस डेट को आप याद रखना, 4 जुलाई 1776 में को यह ऐतिहासिक स्वातंत्र घोषणा की गई, जिसके अनुसार 13 उपनिवेशों ने ग्रेट ब्रिटेन की अधीनता समाप्त कर दी। इस घोषणा के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास का श्री गणेश हुआ। यह एक अति महत्वपूर्ण घटना थी। यह घोषणा पत्र वर्जीनिया के थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। वो कुछ सुधारों के बाद कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया था। इसे घोषित किया गया कि सभी मनुष्य जन्म से ही समान है। इसमें क्या घोषित किया कि सभी मनुष्य जन्म से समान है। वर्ष 1775 में लैकेंगस्टन में प्रारंभ हुआ और यह युद्ध 8 वर्ष तक चला। कितने? 8। 1775 में अंग्रेजों ने उपनिवेशों पर आक्रमण करने की संयुक्त योजना भी बनाई। रोज डेनमार्क ट्रीडेंट ने 1780 में एक सैनिक तटस्थता और तटस्थ परंतु अंग्रेजों द्वारा उत्तेजित किए गए जाने पर युद्ध की घोषणा के लिए तैयारी की स्थापना की, जो ग्रेट ब्रिटेन की विरोधी थी। 1781 में ब्रिटिश सेनापति कॉर्नवालिस ने चार्ल्स टाउन और अन्य कई स्थानों पर अधिकार कर लिया, परंतु इसके बाद शीघ्र ही समुद्र पर फ्रांसीसी बेड़े उत्थल पर वॉशिंगटन ने उसकी नाकाबंदी कर दी। अंततः इसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब ब्रिटेन के अधिकार में केवल न्यूयॉर्क बचा हुआ था। पेरिस की संधि आपकी 1783 में हुई। कब? 1783 में। 3 सितंबर 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि में अमेरिकी स्वातंत्र युद्ध की इतिश्री हुई। इस संधि की मुख्य धाराएं निम्नलिखित थीं। 1. इंग्लैंड ने 13 उपनिवेशों संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वातंत्र को मान्यता प्रदान की। मिसिसिपी नदी को उनकी पश्चिमी सीमा रेखा मान लिया गया, जबकि ग्रेट लेक को उनकी उत्तरी सीमा रेखा निश्चित की गई। 2. था अमेरिका में केवल कनाडा, नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड के विदेशी अंग्रेजों के पास रह गए।
तीसरा था फ्रांस को पश्चिमी द्वीप समूह में स्थित सेंट जूसिया टोबेगो तथा अफ्रीका में स्थित सेनेगल और गोरी के प्रदेश मिले। भारत में जो स्थित फ्रांसीसी बस्तियां माहे पांडिचेरी चंद्रनगर भी उन्हें वापस मिल गए। इसके अतिरिक्त न्यू फाउंडलैंड की मछली के व्यापार में भाग लेने का भी उन्हें अधिकार मिला। चौथा था स्पेन को अंग्रेजों ने मिनार्का और फ्लोरिडा मिली स्पेन को अंग्रेजों से मिनार्का और फ्लोरिडा मिले। हॉलैंड के साथ पुनर्स्थिति के मौलिक सिद्धांतों को स्वीकार किया गया और एक दूसरे के विजय किए गए हुए प्रदेश वापस कर दिए गए। बात करते हैं अमेरिकी क्रांति के परिणाम और महत्व की। अमेरिकी बस्तियों में कि इस सफल विद्रोह का इंग्लैंड पर और सारे संसार पर विशेष प्रभाव पड़ा, यानी कि अन्य देशों को भी प्रेरणा मिली कि हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं। मानव जाति के राजनीतिक जीवन को बदलने में यह एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ। उसने इंग्लैंड के इतिहास को प्रभावित किया। इंग्लैंड पर प्रभाव यद्यपि अमेरिकी बस्तियों के हाथ से निकल जाने से कुछ समय के लिए अंग्रेजों के मान को धक्का लगा, परंतु अंत में यह क्रांति उनके लिए लाभदायक भी सिद्ध हुई। उन्होंने अपनी निर्बलताओं और कमियों को अनुभव किया और इनके सुधार करने में जुट गए। यानी कि ये उसी तरह है जब हम एक बार किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो हम उससे कुछ सीख भी सकते हैं। हमें हानि हुई है, एक साल हमारा बर्बाद हुआ है, लेकिन उससे हम सीख भी सकते हैं बहुत कुछ कि आगे हम लोग उसे ना दोहराएं, उन गलतियों को जिसकी वजह से हमारी हार का सामना करना पड़ा, यानी कि असफल हुए हम। लेकिन ये आप लोग देखते हैं, इस बात को लोग मानते नहीं हैं और बार बार हार का सामना करना पड़ता है, यानी कि असफल होना पड़ता है। क्योंकि हम क्या होता है कि जब हम हारते हैं या गिरते हैं तो हम उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं, यही सबसे बड़ी कमी रहती है। अगर आपने जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दी है तो आप सफल हो जाएंगे। सफल का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ जीत गए, किसी रिश्ते में क्या हुआ कि तुमने दूसरे को नीचा दिखा दिया है। क्या करते हैं हम कि जब किसी रिश्ते को ख़त्म करने की बारी आती है तो हम इस हद तक चले जाते हैं कि उसे नीचा सामने वाले को दिखाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। तो यहाँ आपकी जीत नहीं होती है, आपकी हार होती है असल में। क्योंकि हमारी गलती है तो सीधी सी मान लीजिए ना, हमारी गलती है, बात खत्म हो जाती है, उस गलती को सुधार लीजिए, यही जिंदगी है। देखिए 80 से 85 साल या 110 साल या 200 साल जीना कोई जीना नहीं होता है। जीना वो होता है कि जो आदमी आपसे व्यक्ति खुश रहें, आपको लोग प्यार करें, वरना आप जैसे और हम जैसे हजारों लोग पैदा हुए धरती से मिट गए, कोई नाम भी नहीं जानता है। क्या आपको लगता है कि 140 करोड़ जनसंख्या होने जा रही है, कुछ दिन में आप 150 करोड़ पर पहुंच जाएंगे? क्या 150 करोड़ जनसंख्या को याद रख पाएगा इतिहास? कभी नहीं। याद उन्हें ही रखा जाएगा जो खुद से ज्यादा दूसरों के लिए जिएंगे, ठीक है। जॉर्ज द्वितीय के स्वेच्छाकारी शासन का उनका आंतरिक एवं विदेशी नीति में कई परिवर्तन भी किए गए। इस हार के बाद जॉर्ज द्वितीय के स्वेच्छाकारी शासन का अंत हुआ। ऐसा अनुभव किया गया कि अमेरिकी युद्ध में हुई पराजय तथा महान हानि का कारण जॉर्ज द्वितीय की मूर्खता और उसके मंत्रियों की अयोग्यता है। 1783 ईस्वी में जॉर्ज द्वितीय का स्वेच्छाचारी रूप से शासन करने का पूर्णता असफल सिद्ध हो गया। तो ये थी अमेरिकी आपकी क्रांति। अब बात करते हैं रूस की क्रांति के बारे में। 19वीं शताब्दी में रूस में जार का राज्य था जिसने कृषकों मजदूरों पर अनेक अत्याचार किए, परंतु बोल्शेविक क्रांति 7 मार्च 1917 के बाद रूस से राजतंत्र समाप्त हो गया। रूस की क्रांति के बारे में भी हम लोगों ने बात की हुई है NCERT के बारे में, तो उन्हें भी अगर आप इसे भी डिटेल से पढ़ रहे हैं तो उसे जाकर देख सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें। वहाँ का शासक जो लेनिन सामने आया, जिसने एक दल की सरकार तथा साम्यवाद को स्थापित किया। बाद में पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा रूस ने आर्थिक प्रगति की और द्वितीय महायुद्ध के बाद वह एक विश्व शक्ति
बन गया। क्या आप देखते तो थे, एक तरफ रूस रहता था एक तरफ अमेरिका। लेकिन 19 आगे बात करते हैं, सोवियत संघ के नेतृत्व में विश्व में साम्यवादी खिमा बन गया। वस्तुतः विश्व दो भागों में विभक्त हो गया, शीत युद्ध विश्व को आक्रांत करता रहा। दिसंबर 1991 में सोवियत गणराज्यों का विघटन हो जाता है और साम्यवादी शासन का समाप्त हो जाता है। तो सोवियत संघ जिसे हम लोग आज रूस कहते हैं, ये आपका सोवियत संघ कहलाता था 1991 तक, ठीक है। उनकी इकाइयों ने स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया। 12 इकाइयों यानी कि गणराज्यों ने मिलकर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी कि CIS का निर्माण किया। तो ये थी आपकी कहानी रूस की क्रांति की। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये आपका 1914 से चलता है 1918 तक, याद रखना है आपको। इस ये युद्ध हुआ किस लिए था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ किस, इसके कारण क्या थे, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जर्मनी का औद्योगिक देश बनना और अपने माल के लिए बाजार ढूंढना। दूसरा कारण था जर्मनी का इंग्लैंड के साम्राज्य तथा समुद्री शक्ति से द्वेष होना आदि इस महायुद्ध के निहित कारण थे। परंतु तत्कालिक कारण क्या था जिसके कारण ये युद्ध शुरू हुआ, तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, याद रखना है आपको। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण क्यों किया था, तो आपको याद रखना है कि एक सर्बियन ने ऑस्ट्रियन ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी थी, इसी के चलते ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए जर्मनी युद्ध में कूदा और सर्बिया का साथ देने के लिए रूस आया। कौन आया, रूस आया। फिर उसके बाद रूस की सहायता के लिए आपके ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में अमेरिका आए। जर्मनी की सहायता के लिए तुर्की, बुल्गारिया, हंगेरी ने की और मित्र राष्ट्रों की ओर जापान, बेल्जियम व इटली आ गए। तो जो सर्बिया का साथ दे रहे थे उन्हें हम लोग मित्र राष्ट्र कहते थे और जो ऑस्ट्रिया का साथ दे रहे थे ये धुरी राष्ट्र थे, ठीक है। फिर प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या रहा है, क्योंकि हर लड़ाई लड़ी गई उसका कुछ परिणाम तो देखने को मिलता ही है। इस युद्ध में अनेक लड़ाइयाँ हुई जिसमें कुछ आपके जर्मनी और उसके साथी जीते तथा कुछ इंग्लैंड और उसके मित्र राष्ट्र जीते। अंत में जर्मनी की हार हुई और बादशाह गद्दी छोड़कर भाग गया। 11 नवंबर 1918 को उसने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति बुडरो विल्सन ने 14 सूत्रीय शर्तों के आधार पर हुआ था। इससे युद्ध की समाप्ति आपकी अमेरिकी राष्ट्रपति बुडरो विल्सन के 14 सूत्रीय शर्तों के आधार पर समाप्त हुआ। ये शर्तें कौन कौन थी, इसमें शामिल था कि गुप्त कूटनीति का अंत हो, समुद्र की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आर्थिक रोकों का अंत, निरस्त्रीकरण, जनमत के आधार पर जनसंख्या का भविष्य, लीग अथवा संघ का निर्माण और कुछ इनमें अन्य शर्तें शामिल थीं। 1919 में पेरिस में शांति वार्ता हुई और वर्साय की संधि हुई। क्या वर्साय की संधि हुई। 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध का एक परिणाम ये भी राहत है कि 1920 में आपका लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। यूरोप के देशों की सीमाएं पुनः निश्चित हुई और तथा नए देश जैसे पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, एंटोनिया, लिथुआनिया आदि देशों का उद्भव हुआ। फिर आपका दूसरा विश्व युद्ध, ये अभी तक हम लोग जो देख रहे थे प्रथम विश्व युद्ध की कहानी थी। और याद रखिए, अगर आप लोग विस्तृत में पढ़ रहे हैं, मतलब विस्तार में पढ़ना चाहते हैं इसे, तो NCERT पढ़ लें। हम लोग कवर कर रहे हैं आपकी NCERT, तो उन्हें बड़ा विस्तार से समझाया जा रहा है। यह केवल आपका वन डे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है आपका द्वितीय विश्व युद्ध। ये आपका
1939 से 1945 तक चलता है। पहला आपका 1914 से 1918 तक, दूसरा 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो कारण सबसे पहले, क्योंकि जब कोई युद्ध होता है तो उसका कारण होता है, तभी तो लड़ते हैं। तो पहला कारण था वर्साय की संधि अन्यायपूर्ण थी, जिसने मित्र देशों को राजनीतिक एवं आर्थिक लाभ मिला, किंतु जर्मनी तो टुकड़े टुकड़े हो गए, जर्मनी के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, उससे शस्त्र रहित और अपमानित भी होना पड़ा। जर्मनी में घोर आर्थिक संकट पैदा हो गया और इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर के समय में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और वे फिर शक्तिशाली हो गए थे। जर्मनी को इंग्लैंड से व्यापारिक तथा साम्राज्यवादी द्वेष था तथा उसने एल्सेस, लॉरेन, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लाविया पर अपना अधिकार कर लिया। इन्हीं सब कारणों ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया, यानी कि विश्व युद्ध का कारण बने। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है कहां से? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर, ये आक्रमण कब किया गया? 1 सितंबर 1939 को, क्योंकि पोलैंड ने उसे डेजिक का बंदरगाह और पूर्वी पोलिश गलियारा के लिए मार्ग देने से मना कर दिया था। जैसे ही आपका जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण करता है, प्रथम विश्व दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। याद रखिए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब आपका पहले जो युद्ध हुआ था उसे फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कहा गया और दूसरे को द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, याद रखना। इधर इटली ने अभिसिनिया अपने अधिकार में कर लिया और जापान ने चीन पर हमला कर दिया। फिर इन तीनों ने एक संधि कर ली और एक्सिस धुरी यानी कि एक्सिस धुरी शक्ति कहलाने लगी। पोलैंड की सहायता के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस आ गए, जो आपके मित्र राष्ट्र या फिर लाइड कहलाते हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों की बात करें तो इस युद्ध में अनेक लड़ाइयां हुई, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, घायल हुए और बंदी एवं शरणार्थी बनाए गए। अपने अनेक बच्चे अनाथ हो गए और अगणित महिलाएं विधवा हो गई। जर्मनी के दो टुकड़े हुए तथा बर्लिन को भी बांट दिया गया। जापान में नागासाकी एवं हिरोशिमा पर एटम बम गिराए गए, जिससे उसने आत्मसमर्पण कर दिया। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब कोई भी युद्ध होता है, आप पर्सनल ले सकते हैं, अपने गांव में अगर आपके किसी की लड़ाई होती है तो देखिए, दोनों जीत हार होती है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान दोनों को उठाना पड़ता है। फिर चाहे कोई भी जीते, अब जैसे एक ने दूसरे को मार दिया तो एक वो मर गया, ठीक है, दूसरा जेल चला गया, समझ गए आप लोग। और जो जापान पर आपका दो बम गिराए गए थे, नागासाकी पर और हिरोशिमा पर, 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय, किस पर? हिरोशिमा पर आपका लिटिल बॉय बम गिराए। और जो आपका नागासाकी था, इस पर फिटमैन बम गिराए गए, याद रखना है। कई बार ये भी पूछ लेता है, हिरोशिमा पर आपका लिटिल बॉय और नागासाकी पर आपका फिटमैन। जापान, याद रखिए, पहले आपका जो जापान था पहले विश्व युद्ध में, इसने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था, लेकिन दूसरे में धुरी राष्ट्रों का साथ दिया है, जिसके बाद बम गिराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 6 वर्षों तक यह युद्ध चला था। 2 सितंबर 1945 को युद्ध का समाप्त हुआ। इसमें आपके 61 देशों ने भाग लिया था, कितने? 61 देशों ने। अंत में युद्ध विराम अक्टूबर 1945 में हस्ताक्षर हो गए।
विश्व में शांति की स्थापना के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी 24 अक्टूबर को। अब आप समझ सकते हैं कि जापान दो बार परमाणु हमला सहने के बाद फिर भी विकसित देशों की श्रेणी में जा खड़ा हुआ, मतलब इतना वहाँ सक्सेस होने का एक ही कारण है, यानी कि विकसित देशों की गिनती में आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। दो बार परमाणु हमला झेलने के बाद, वरना एक देश खड़े होने की हिम्मत नहीं रखता है एक परमाणु हमला हो जाए तो। आपके भोपाल में हुई थी गैस त्रासदी, आप समझ सकते हैं अभी भी उसका असर देखने को मिलता है कि नहीं। तो यहाँ के कभी राष्ट्र प्रमुख ने एक बार वक्तव्य दिया था जापान के, कि हमारे यहाँ हमारे सक्सेस होने का सबसे ज़्यादा एक ही प्रमुख कारण है मानव पूंजी, यानी कि मानव के दिमाग की जो उपज है उसी का कारण है कि हम विकसित देशों में जा खड़े हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं विश्व इतिहास के प्रमुख युद्ध जो हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। मैराथन का युद्ध, यह आपका 490 ईसा पूर्व में होता है, यूनानियों ने ईरानियों को हराया था इसमें। तो याद रखना है आपको, मैराथन का युद्ध कब हुआ, 490 ईसा पूर्व में यूनानियों ने इसने ईरानियों को हराया। फिर हुआ आपका हेस्टिंग्स का युद्ध 1066 ईस्वी में एडी में, ठीक है, ये आपका बीसी में हुआ था। नॉर्मेंडी के ड्यूक विलियम ने इंग्लैंड के राजा हेराल्ड को हराकर इंग्लैंड में नॉर्मन वंश के शासन की नींव डाली थी इसमें। फिर आपका क्रूसेड धर्म युद्ध 11वीं सदी से 13वीं सदी तक चला, ईसाइयों एवं मुस्लिमों में युद्ध हुआ था। क्रेसी का शतवर्षीय युद्ध आपका 1337 से 1453 तक चला, फ्रांस ने इंग्लैंड को हराया था इसमें। फिर आपका जिब्राल्टर खाड़ी युद्ध, ये कब हुआ आपका 1606 से 1607 में, डच एवं स्पेन और पुर्तगालियों के बीच हुआ था। स्पेनिश उत्तराधिकारी युद्ध 1701 से 1714 के बीच चला, यूरोप के दो गुटों के मध्य हुआ था, ठीक है। फिर आपका जेंकिंस ईयर युद्ध, यह आपका 1739 से 41 के बीच चला, ब्रिटेन और स्पेन के बीच। ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी का युद्ध 1741 से 1748 के बीच चला, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस और प्रोसिया के बीच हुआ था। फिर आपका सप्तवर्षीय युद्ध, ये आपका 1756 से 63 के बीच चला, इंग्लैंड और प्रभा एवं फ्रांस और रूस के बीच युद्ध हुआ था। फिर आपका स्पेनिश आर्मेडा युद्ध 1558 में इंग्लैंड और स्पेन के बीच हुआ था। आगे बात करते हैं हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध, ये आपका 1776 से 1783 के बीच चलता है, सभी अमेरिकी उपनिवेशों ने इंग्लैंड की अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध स्वाधीनता का युद्ध चलाया एवं विजयी हुई। फिर आपका फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित युद्ध, ये आपका 1792 से 1802 के बीच चलता है, फ्रांस और फ्रांसीसी क्रांति के विरोधी पड़ोसी यूरोपीय देशों का युद्ध था यह। फिर आपका नील नदी का युद्ध 1798 में हुआ, ब्रिटिश नौसेनापति लॉर्ड नेल्सन ने फ्रांस एवं स्पेन के जहाजी बेड़े को परास्त किया, लेकिन स्वयं इसी युद्ध में मारा गया था। टैफलगर का युद्ध 1805 में हुआ, फ्रांस और स्पेन के विरुद्ध ब्रिटेन का युद्ध था। फिर आपका ऑस्टरलिच का युद्ध 1805 में हुआ, नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया एवं रूस को हराया था इसमें। फिर आपका पेनिनसुलर का युद्ध, ये आपका 1808 से 1814 के बीच होता है, फ्रांस के विरुद्ध स्पेन ब्रिटेन पुर्तगाल का युद्ध है के बीच हुआ था।
लीप जिंग का युद्ध, ये आपका 1813 में होता है। रूस और टिया पिरसा इंग्लैंड ने संयुक्त रूप से नेपोलियन को परास्त किया था इसमें। फिर आपका वाटरलू का युद्ध 1815 में, ब्रिटिश सेनापति ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को पराजित किया एवं उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना भेज दिया था। कहाँ? सेंट हेलेना, याद रखिए। फिर है आपका अफीम युद्ध, ये आपका 1839 से 40 के बीच हुआ, ब्रिटेन एवं चीन का युद्ध था। क्रीमिया का युद्ध 1853 से 56 के बीच, ब्रिटेन फ्रांस एवं टर्की की संयुक्त सेना ने रूस को पराजित किया था इसमें। फिर हुआ आपका अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 65 के बीच चला, अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में उत्तरी राज्यों की सेना ने दक्षिणी राज्यों की सेना को हराकर अलगाववाद एवं गुलामी की प्रथा को उखाड़ फेंका था। फिर आपका प्रसा ऑस्ट्रिया युद्ध 1866 में, ऑस्ट्रिया पराजित हुआ इसमें और जर्मनी के 22 राज्यों का जर्मन परिसंघ बना। कितना? 22 राज्यों का। फिर आपका बोयर्स युद्ध, यह आपका 1880-81 में, फिर उसके बाद 1899 से 1902 के बीच हुआ, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन एवं बोयर्स का युद्ध हुआ था। फिर आपका चीन जापान युद्ध 1894-95 में हुआ, जापान और चीन के बीच। रूस जापान युद्ध 1904-5 में हुआ, इसमें रूस पराजित हुआ था। क्या हुआ था? इसमें रूस पराजित हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच चला, ब्रिटेन और उसके सहयोगी फ्रांस, अमेरिका, बाद में आपका बेल्जियम, रूस आदि ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया उसके सहयोगियों को परास्त किया था प्रथम विश्व युद्ध में। फिर आपका द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से 45 के बीच, इसमें मित्र राष्ट्रों में कौन कौन शामिल था? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, और दूरी राष्ट्रों में आपके जर्मनी, इटली, जापान को हराया था। किसे? इटली, जर्मनी, जापान को हराया था, यानी कि मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को हराया था। फिर होता है आपका कोरिया युद्ध, यह आपका कोरिया युद्ध होता है 1950 से 53 के बीच। रूस समर्थित उत्तर कोरिया एवं अमेरिका समर्थित दक्षिण कोरिया के बीच लड़ा गया यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से स्थगित हुआ था। अभी भी आप लोग देखते हैं कि उत्तर कोरिया को रूस ने साथ देना छोड़ दिया, लेकिन उसकी जगह चीन ने कब्जा कर लिया। और जब भी आप देखा होगा किसी भी मीटिंग होती है किसी से, तो उत्तर कोरिया का जो लीडर है वो चीन से मिलकर वार्ता करता है अन्य देशों से, और दक्षिण कोरिया को आप समझ सकते हैं कि अमेरिका साथ देता है इसका। सोएज नहर का युद्ध होता है 1956 में, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के विरुद्ध मिस्र का युद्ध था। वियतनाम युद्ध 1956 से 75 के बीच चलता है। कम्युनिस्ट उत्तरी वियतनाम एवं गैर कम्युनिस्ट दक्षिणी वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध लड़ा गया था। फिर आपका भारत चीन का युद्ध, तो ये 1962 में होता है, भारत एवं चीन के मध्य, जिसमें आपके भारत की पराजय हुई थी। फिर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1965 में, भारत एवं पाकिस्तान, जिसमें भारत की विजय हुई थी। जब आपका चीन से आपका भारत हार गया तो पाकिस्तान की हौसले बुलंद होने लगे, उसने कहा कि अब भारत कमज़ोर पड़ चुका है, उसने भी हमला कर दिया। लेकिन उसने जितने बार अभी तक इस तरह के काम किए, मुँह की खानी पड़ी। फिर चाहे आपका 1965 का हो, 1971 का युद्ध हो, हर बार उसे मुँह की खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971 का, भारत एवं पाकिस्तान के युद्ध, जिसमें भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की गई और एक नया देश आपका उभर कर आया बांग्लादेश। इसमें ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988 के बीच चला, ईरान एवं इराक का युद्ध था, ईरान और इराक के बीच। फॉकलैंड का युद्ध 1982 में, ब्रिटेन एवं अर्जेंटीना का युद्ध था। खाड़ी युद्ध 1991 में,
संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 20 राष्ट्रों के गठबंधन एवं इराक का युद्ध था। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण विश्व के युद्ध। अब हम बात करते हैं विश्व इतिहास के कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में। इनसे भी आपका क्वेश्चंस बनता रहेगा, ठीक है? तो आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। इतिहास, हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक ने किया था। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब है कि जो इतिहास हिस्ट्री शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हेरोडोटस ने। और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, और इन्हें इतिहास के जनक के नाम से भी जानते हैं, इतिहास के जनक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ कई तरह के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इतिहास हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। फिर पूछ सकता है कि हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना हेरोडोटस। हिस्ट्री शब्द से उनका अभिप्राय खोज और अनुसंधान से था। इतिहास का अर्थ होता है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। इसका इसका विषय व्यक्ति जीवन नहीं किंतु समाज का जीवन है। इसका विषय व्यक्ति जीवन नहीं किंतु समाज को, मतलब समाज, पूरे समाज का जीवन होता है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता नील नदी की घाटी में विकसित हुई थी। मिस्र की प्राचीन सभ्यता नील नदी की घाटी में विकसित हुई। मिस्र के लोगों ने सर्वप्रथम खेती का आविष्कार किया था। जो मिस्र के लोग थे, इन्होंने सबसे पहले खेती का आविष्कार किया था, ठीक है? याद रखिए। आगे चलते हैं हम लोग। मिस्र में लगभग 5000 ईसा पूर्व से सामाजिक जीवन संगठित होने लगा था। लगभग 3400 ईसा पूर्व में, यानी कि 3400 बीसी में प्रथम राजवंश की स्थापना मिस्र में ही हुई थी। लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर है दमिश्क। लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर कौन है? दमिश्क। सौर पंचांग मिस्र देश की ही देन है। सौर पंचांग किस देश की देन है? मिस्र की। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण सम्राट कुफू द्वारा गीजा में करवाया गया था। सम्राट कुफू द्वारा। मिस्र के राजा को फराओ या फेरो कहा जाता था। मिस्र के किसान को फिल्लाह कहा जाता था। विश्व सभ्यता में अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी के लोगों ने किया था। किसने? सिंधु सब घाटी सभ्यता के लोगों ने। सैंधव वासियों की मुख्य सवारी क्या थी? बैलगाड़ी। आप लोगों ने भी अक्सर ये देखी होगी, बैलगाड़ी। सर्वप्रथम विश्व में विविध विधि संहिता बनाने वाला हम्मुराबी था। सर्वप्रथम विश्व में विधि संहिता यानी कि कानून बनाने वाला कौन था? हम्मुराबी। प्राचीन मिस्र में राज्य का उत्तराधिकारी राजा की पुत्री होती थी। किसकी? राजा की। चीन की सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चीन की सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? पीली नदी घाटी सभ्यता के। सर्वप्रथम चीन में पतंग उड़ाने की कला विकसित की। इस तरह के क्वेश्चंस आपको लोग जनरल नॉलेज के लिए याद रखा करिएगा। कभी भी कोई पूछ लेता है आपसे कि सर्वप्रथम पतंग उड़ाने की कला कहाँ विकसित हुई थी, तो चीन में। सर्वप्रथम रेशम उद्योग चीन में ही शुरू हुआ। रेशम उद्योग कहाँ शुरू हुआ? चीन में। अगर हम लोग विश्व साहित्य की बात करें तो डिवाइन कॉमेडी ये दांते की है, डेके मेरन ए बोकासियो की है, इन प्रेज ऑफ फॉली इरेस्मस की है, ग्रीक टेस्टामेंट ए इरेस्मस की है, द प्रिंस मैकियावेली की है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, इनके लेखक याद रखना है आपको। कुतुबनुमा का आविष्कार चीन देश ने किया था।
कुतुब नुमा का। सर्वप्रथम परीक्षा के आधार पर सेवा में भर्ती करने का श्रेय चीन को, किसे है? चीन को है। यानी कि किसी भी सेवा में आप लोग जैसे आज तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कोई बैंक ही कर रहा होगा, तो बैंक क्षेत्र में जाने के लिए आपको परीक्षा पास करनी पड़ रही है। इसी तरह की कोई भी सेवा करने के लिए सबसे पहले परीक्षा को आधार किसने बनाया था? चीन ने। चीन में सिविल सेवा की परीक्षा सर्वप्रथम 6 ईस्वी में शुरू हुई थी। जो आप देखते हैं सिविल सर्विस, चीन में 6 ईस्वी में, कब? 6 ईस्वी में शुरू हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का और कागजी मुद्रा का प्रचलन भी चीन में हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी घाटी में विकसित हुई। इसके बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं आपका, ठीक है? तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मेसोपोटामिया का नया नाम क्या है? इराक, जिसे हम लोग आज इराक कहते हैं, पहले से मेसोपोटामिया कहा करते थे। जिगुरत मेसोपोटामिया के देव मंदिर को कहते थे। सर्वप्रथम सीसा का प्रयोग मेसोपोटामिया में हुआ था। सर्वप्रथम सीसा का प्रयोग कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह। भारत में पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? सेंट थॉमस। पहली शताब्दी के आरंभ में आया था ये। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल। ईसाई धर्म का विकास यहूदी धर्म से हुआ है। ईसाई धर्म के दो, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय हुए ईसाई धर्म के, ठीक है? आगे बात करते हैं हम लोग। ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन के गलीली प्रांत के नजीरत नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह की माता थी मैरी और पिता का नाम था जोसेफ। ईसा मसीह की माता कौन थी? मैरी। और पिता का नाम क्या था? जोसेफ। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या है? क्रॉस। ये भी आपसे पूछता रहता है, ईसाई धर्म का सर्वाधिक प्राचीन यानी कि पवित्र प्रतीक क्या है? प्रतीक क्रॉस। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे। इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे इतिहास में, ठीक। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके बचपन का नाम था अमीन। हजरत मोहम्मद साहब के बचपन का नाम क्या था? अमीन। हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। मक्का सऊदी अरब में है। मक्का कहाँ है आपका? इस्लाम धर्म में मक्का ये पवित्र तीर्थ है, तो याद रखना ये आपका कहाँ है? सऊदी अरब में। सिया मुसलमानों का पवित्र नगर है? करबला, इराक में है स्थित। सिया मुसलमानों का पवित्र नगर कौन सा है? करबला। ये आपका कहाँ है? इराक में। 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी संबत या फिर आप लोग मुस्लिम संबत भी इसे कहते हैं। हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा को क्या कहते हैं? हिजरी संबत, मुस्लिम संबत। पैगंबर की मृत्यु होती है 8 जून 632 ईस्वी को। इन्हें मदीना में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? मदीना में। पैगंबर के उत्तराधिकारियों को क्या कहते थे? खलीफा। मुस्लिम जगत में खलीफा का पद 1924 तक रहा, तुर्की में बना रहा। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह कुरान ग्रंथ में है। अरब के मूल निवासी बद्दू प्रजाति से थे, से हैं। किसे? बद्रू। मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिन पर ईद ए मिलान उन नबी पर्व मनाया जाता है, याद रखना है आपको। जैन अवस्था पारसी की पवित्र पुस्तक है। बात की रचनाएं अवस्था कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अवस्था। अवस्थन रचनाओं के अनुवाद को जैन के नाम से जाना जाता है।
यूरोपीय पुनर्जागरण इटली से शुरू हुआ था। कहाँ से? इटली से। इटली का फ्लोरेंस नगर पुनर्जागरण का केंद्र था। पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण तार्किकवाद एवं मानववाद था। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची चित्रकार की कृति है। किसकी? मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची की। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ होता है आंदोलन। क्या होता है? आंदोलन। कॉपरनिकस द्वारा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है यह सिद्ध किया था। किसने? कॉपरनिकस ने। अमेरिकी नेता लूथर मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिकी निग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया, जो आपके गांधी जी अहिंसा से संबंधित थे। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। जो अमेरिका के मूल निवासी थे उन्हें क्या कहते थे? रेड इंडियन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सेनापति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब अमेरिका को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेता था जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका ने चार जुलाई 1776 ईस्वी में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। जुलाई 1776 में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। जॉर्ज वॉशिंगटन ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिका ने दास व्यापार पर 1808 में प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका ने दास व्यापार पर कब प्रतिबंध लगाया? 1808 में। पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने 1863 में किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को व्हाइट हाउस भी कहते हैं। आप लोग भी अभी देखते होंगे, नाम चर्चा में बना रहता है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति निवास करते हैं व्हाइट हाउस कहते हैं। याद रखिए इसमें रहने का इन्हें किराया देना पड़ता है। पता है आपको? एक बड़ा रोचक तथ्य है। अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था। किसे? अलास्का को। तो ये अलास्का अमेरिका का 50वां राज्य है। कितने राज्य हैं? 50। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति का चुनाव सामान्य वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। जिस तरह से आपके संसद का चुनाव होता है, इसी तरह से आपके वयस्क मताधिकार यानी कि जो वोटर हैं आपके, वही वोट देते हैं वहाँ राष्ट्रपति के चुनने के लिए। रॉबेस्पियर नामक फ्रांसीसी वकील और राजनीतिज्ञ ने आतंकी के शासनकाल में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। फ्रांस की राज्य क्रांति लुई सोलेवे के शासनकाल में 1789 में हुई थी। फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी किसके समय हुई? लुई सोलेवे के शासन। कब? ये आपकी 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। फ्रांस में वाल्टेयर, रोसो, मोंटेस्क्यू जैसे दार्शनिकों का योगदान था फ्रांसीसी क्रांति में। सोशल कॉन्टेक्ट रूसो की रचना है। सोशल कॉन्टेक्ट किसकी रचना है? रूसो की। नेपोलियन का जन्म होता है 15 अगस्त 1760 को कुर्सिका द्वीप के अगासियो नामक नगर में कार्लो बोनापार्ट के घर में हुआ था आपके नेपोलियन का जन्म। नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट बनता है। नेपोलियन आपका 1804 में फ्रांस का सम्राट बनता है। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा विकसित हुआ था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट को ही माना जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट को ही माना जाता है। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच जून 1815 में हुआ था। कब? जून 1815 में।
नेपोलियन को कैद कर कहाँ रखा गया था? सेंट हेलेना द्वीप पर। ये भी आपका कई बार पूछ लेता है। नेपोलियन के पतन का कारण रूस पर आक्रमण का करना था। नेपोलियन के पतन का कारण रूस पर आक्रमण करना था। इटली राष्ट्र का जन्म होता है 1860 में। इटली का एकीकरण काउंट काबूल ने किया था। इटली का एकीकरण किसने किया था? काउंट काबूल ने। लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन गोरी वाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती संगठन। पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री बिस्मार्क था। कौन? बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। इटली का एकीकरण काउंट काबून ने किया था। जर्मनी का एकीकरण सेडान की युद्ध के बाद संभव हुआ। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये आपका कई बार पूछ लेता है। दुनिया के मजदूर एक हो, किसने नारा दिया था? कार्ल मार्क्स का। रूस के शासक को जार कहा जाता है। क्या कहते हैं? जार कहा जाता था। रूस का अंतिम जार कौन हुआ? निकोलस द्वितीय। लाल सेना का गठन ट्राट्स्की ने किया था। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। लाल सेना का गठन ट्राट्स्की ने किया था और बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन ने 1921 में लागू की थी। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। किसे? स्टालिन को। मदर मैक्सिम गोरको की रचना है, गोरकी की। किसकी रचना है? मैक्सिम गोरकी की। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। लॉक ने जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को मानव का प्राकृतिक अधिकार माना। कैसा? प्राकृतिक। आगे हम लोग बात करते हैं। उसने तर्क दिया कि मनुष्य इन्हीं अधिकारियों की रक्षा के लिए नागरिक समाज या फिर राज्य का निर्माण करता है। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति आपकी इंग्लैंड में हुई थी। पूछे अगर आपसे कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, तो आपको बता देना है इंग्लैंड में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति रक्तहीन क्रांति 1688 में जेम्स द्वितीय के समय हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति, जिसे आप लोग रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। ये भी आपका कई बार पूछ लिया गया है, तो पीछे भी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो जो सप्तवर्षीय युद्ध था, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। ये आपकी भारत में ही हुई थी, ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को आरेकूट ने तथा फ्रांसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया था। वांडीवास की लड़ाई में गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू होता है। जो आपका प्रथम विश्व युद्ध था, ये आपका 28 जुलाई 1914 को शुरू होता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण सराजेवो हत्याकांड था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण, मतलब शुरू होने का मुख्य कारण क्या था, तो ये आपका सराजेवो हत्याकांड था। प्रथम विश्व युद्ध में आपके 37 देशों ने भाग लिया था। कितने? 37 कंट्रीज ने, 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में रूस, फ्रांस और ब्रिटेन एक दल थे, जर्मनी दूसरी तरफ था। इसमें अगस्त 1914 में जापान ब्रिटेन की ओर से और कुछ समय बाद टर्की जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हो गए थे। याद रखिए, जो जापान है, इसने पहली बार जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, इसमें रूस, फ्रांस और ब्रिटेन का पक्ष लिया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में ये जर्मनी की तरफ था, ठीक है। जापान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध आपका 11 नवंबर 1918 को समाप्त होता।
कब? 11 नवंबर 1918 को। पेरिस शांति सम्मेलन 18 जून 1919 को हुआ था। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 18 जून 1919 को। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि जर्मनी को हुई थी। किसे? जर्मनी को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ नामक 1924 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी, राष्ट्र संघ। चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। चीनी क्रांति आपकी कब हुई? 1911 में। चीनी क्रांति का नेता था सन्यात सेन। चीनी क्रांति का नेता कौन था? सन्यात सेन। चीन में बॉक्सर आंदोलन का नेता चे हैंग तिंग था। चीन में बॉक्सर आंदोलन का नेता कौन था? चे हैंग तिंग। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ से तुंग था। कौन था? माओ से तुंग। एशिया कमरीज चीन को कहा जाता है। एशिया कमरीज किसे कहते हैं? चीन को। और यूरोप कमरीज तुर्की को। इस तरह के क्वेश्चंस बनते रहते हैं अक्सर वनडे एग्जाम में, तो याद रखना है आपको। एशिया कमरीज किसे कहते हैं? चीन को। और यूरोप कमरीज तुर्की को। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पासा था को कहा जाता है। जो आधुनिक तुर्की है इसका निर्माता था मुस्तफा कमाल पासा। तुर्की आपका 23 अक्टूबर 1923 को गणतंत्र बना। तुर्की गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पासा था। तुर्की 1924 में धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। तुर्की 1924 में धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। फासिज्म का उदय इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। इटली के चिंतकों कैंट, फिस्टे, हेगेल और रोजनबर्ग ने फासिज्म को प्रभावित किया था। फासिज्म का जन्मदाता किसे मानते हैं? मोसोलिनी को। फासिज्म का जन्मदाता किसे मानते हैं आप लोग? मोसोलिनी को। याद रखिए, अगर आप इससे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, विस्तार में, तो आप एनसीईआरटी पढ़ें। हम लोग भी आपकी कवर कर रहे हैं, तो उसमें भी बताया जा रहा है। फासीवाद के स्वयं सेवक काली कमीज वाली पोशाक पहनते थे। नाजीवाद का उदय आपका जर्मनी में होता है। नाजीवाद का उदय कहाँ होता है? जर्मनी में। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ होता है यहूदी विरोधी। नाजीवाद का जन्म जनक किसे मानते हैं आप लोग? हिटलर को। नाजीवाद का जनक किसे मानते हैं? हिटलर को। यहाँ हम लोग केवल वन डे एग्जाम, यानी कि जो आपका एक दिन में एग्जाम होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर आपके सभी चैप्टर खत्म किए जा रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है विस्तार में पढ़ने का, तो आप हमारी एनसीईआरटी वाली क्लास में देख सकते हैं, ठीक है। हिटलर ने नाजी दल की स्थापना 1920 में की थी। कब? 1920 में। हिटलर आपका 30 जनवरी 1933 में जर्मनी की का प्रधानमंत्री या फिर चांसलर बनता है। मेन कैंप हिटलर की आत्मकथा है। मेन कैंप ये हिटलर की आत्मकथा है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा आपके हिटलर ने ही दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने ही दिया था। हिटलर आपका 29 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर लेता। हिटलर ने 29 अप्रैल 1929 को, सॉरी 29 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली इसने। एशिया देश जापान, एशिया का देश जापान साम्राज्यवादी था। जापान ने पहला आक्रमण चीन के विरुद्ध किया था। किसके? चीन के। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं पहले भी। अमेरिका ने जापान पर अड़ू बमों का प्रयोग 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया था। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1 सितंबर 1939 को शुरू होता है और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है 2 सितंबर 1945 को। ये आपके लिए नॉर्मल तिथि बहुत सरल है। 1 सितंबर को चालू होता है, 2 सितंबर को खत्म हो जाता है। लेकिन इन डेटों को पीछे वाली याद रखना है। 39 में चालू होता है और 45 तक चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध में आपके 61 देशों ने भाग लिया था। पहले में 37 और दूसरे में 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध के समय डी दिवस
डी डे वह दिन था जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी। आगे चलते हैं हम लोग। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर जापान के द्वारा आक्रमण किया गया था। पेट्रोक के को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। मानववाद का संस्थापक किसे मानते हैं? पेट्रोक को। पेट्रोक इटली का निवासी था। कहाँ का? इटली का। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकोसियो को माना जाता है। इसका जीवन काल रहा है 1313 से 1375 तक। कहानीकार बोकोसियो की प्रसिद्ध पुस्तक डेका मेरोन है। क्या है? डेका मेरोन है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली इसे 1469 से 1567 को माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, जो राज्यों का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक आप लोग मैकियावेली को ही मानते हैं। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के तीन कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार कौन कौन से थे? इनमें आपका शामिल था लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। इटली के जियोटो को चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। इटली के जियोटो को चित्रकला का जन्मदाता मानते हैं। लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था, इंजीनियर भी था, वैज्ञानिक भी था, दार्शनिक भी था, कवि था और गायक भी था। एक ही आदमी में इतनी योग्यताएं थी, समझ सकते हैं। फिर है आपका आगे लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण भी प्रसिद्ध रहे। द लास्ट सपर और मोनालिसा इन्हीं के चित्र हैं, लियोनार्डो दा विंची के। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार थे। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन याद रखना है आपको। शैतान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए थे। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था, जिसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र था। राफेल की पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। किसे? जियाटो को। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ होली में व्यंगात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया था। किसने? टॉमस मूर ने। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत आपकी इंग्लैंड से ही होती है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत आपकी इंग्लैंड से ही होती है। जॉन बिकलीफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है, सुबह का तारा। इसके अनुयायी लो लॉर्ड्स कहलाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। जो आपका अमेरिका देखते हैं आप लोग, इसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 से 1506 में इटली का नाविक था, यानी कि इसका जीवन काल 1451 से 1506 तक चलता है। 51 से उसने स्पेन के राजा और रानी से जहाज मांगा तथा 1492 में उसने अमेरिका, बहामास, क्यूबा तथा वेस्ट इंडीज जाने के मार्ग को खोजा। 1498 ईस्वी में वह दक्षिण अमेरिका पहुंचा तथा 1503 में मध्य अमेरिका पहुंचा। 1498 में दक्षिण अमेरिका पहुंचा था और 1503 में मध्य अमेरिका पहुंचा। अमेरिगो बिस्सुप
कोसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। ये भी आपका पूछ सकता है कि अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा था, तो अमेरिगो विस्पुसी इटली के नाम पर इसका नाम पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। प्रशांत महासागर जिसे हम लोग बोलते हैं, तो इसका जो नामकरण है, इसका नामकरण किसने किया था? मैगलन ने, स्पेन का निवासी था मैगलन। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन ही था। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुई थी। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी भी कहते हैं, अमेरिका को। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुई थी। कहाँ? अमेरिका में भी। फिर भी आप देखते हो कि अभी भी यहाँ आश्रितों से भावनाएं, यानी कि भावनाओं से खेला जाता है और इन्हें बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता है। अभी भी रंगभेद की आंदोलन चलते रहते हैं अमेरिका में, आप लोग सुनते रहते होंगे अक्सर। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यानी कि अगर तुम उन्हें प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में शामिल नहीं करोगे तो कर भी नहीं देंगे, ठीक है। ये संग्राम, उनके स्वतंत्रता संग्राम का नारा था। आगे बात करते हैं हम लोग। अमेरिका, अमेरिकी आज़ादी का घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था। अमेरिकी आज़ादी का घोषणा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? थॉमस जेफरसन। उसने उपनिवेशों के लोगों की कठिनाइयों और आवश्यकताओं का ध्यान रखकर नहीं, अपितु मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के दार्शनिक सिद्धांत को ध्यान में रखकर यह घोषणा पत्र तैयार किया था। यानी कि प्राकृतिक अधिकारों के, यानी कि मनुष्य के अधिकारों को जोर दिया गया था, इसमें महत्व दिया गया था। इस घोषणा पत्र के तीन भाग थे, प्राकृतिक नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत और सरकार का उद्देश्य और ब्रिटिश राज्य के खिलाफ शिकायतों की एक सूची और इंग्लैंड से स्वतंत्रता का घोषणा पत्र इसमें शामिल थे। प्राकृतिक नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन लॉक के द्वारा किया गया था। किसके? लॉक के। छाया मंत्रिमंडल की रीति ग्रेट ब्रिटेन से ही शुरू हुई है, छाया मंत्रिमंडल। थॉमस हॉब्स ने सामाजिक संविदा के सिद्धांत को राजनीतिक विचारधारा का आधार माना। लॉक ने अपने सामाजिक संविदा के सिद्धांत से जनप्रतिनिधित्व पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन भी किया था। रूसो ने सामाजिक संविदा के सिद्धांत का सहारा लेते हुए बताया कि राज्य शक्ति जनता की सामान्य इच्छा पर आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ने सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय अगर बात की जाए तो हमारा भारत का संविधान सबसे बड़ा है, लिखित संविधान है हमारा। और याद रखिए, ये शुरू कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। 1789 में यहाँ का संविधान, लिखित संविधान लागू हो चुका था। 1781 में उपनिवेशों, निवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता, उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा भी की थी। यानी कि सबसे पहले क्रांति, जो भी क्रांति हुई वो अमेरिका से तो ही शुरू हुई, इसलिए आपका अमेरिका सबसे विकसित देश है, ताकतवर देश है अभी भी। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका था? लुई चौदहवा का। मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन आपका लुई चौदहवा का है। वर्साय की शीश महल का निर्माण आपके लुई चौदहवा ने करवाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई चौदहवा ने ही बनाया था। तो इसके कामों को याद रखना है, आपको पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ लेता है, पता ही नहीं चलता है, समझ रहे हैं आप लोग। लुई सोलहवा 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था।
लुई 16वें की पत्नी थी मैरी एंतोवानेट, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। लुई 16वां की पत्नी थी मैरी एंतोवानेट, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और ये लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। टेले एक प्रकार का भूमिकर हुआ करता था इस समय। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टियर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने आपका सर्वाधिक योगदान दिया। वाल्टियर चर्च का विरोधी था। वाल्टियर चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी थी? वाल्टियर की। इस तरह की उक्ति भी आप याद में रखा करिएगा। अब आप सोचिए कि इसे क्वेश्चंस बना देंगे, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह किसकी उक्ति है? 4 ऑप्शन आपको दे देगा, आपको बताना होगा। तो इसमें वाल्टियर याद रखना, वाल्टियर की उक्ति है, वक्तव्य है। लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टियर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना आपके मॉन्टेस्क्यू ने की थी। फ्रांस के इतिहास की मुख्य घटनाओं में एक फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। कब? 1789 में, जिसने वहां के राजा लुई तथा मैरी एंतोवानेट को फांसी दे दी थी, गई थी, और समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का नारा दिया गया था इस क्रांति में। फ्रांसीसी क्रांति ने रूसों की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। रूसों ने आह्वान किया था कि प्रकृति को वापस लाओ, किसका नारा है? रूसों का। मनुष्य पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है, ये नामक इसका कथन किसका था? जीन जैक्स रूसों का। जैक्स रूसो का कथन था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 में हुई थी। 5 मई 1789 में मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। जो मापतौल की दशमलव प्रणाली आप लोग देखते हैं, ये आपकी फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हार्डर को कहा जाता है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे मानते हैं? हर्डर को। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता आप लोग फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता है, यह फ्रैंकफर्ट में होती है। कहाँ होती है? फ्रैंकफर्ट में। अठारह सौ पचास ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का अधिपत्य था। किसका? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। इसमें एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की है। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 में किया गया था। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया था? मई 1848 में। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा की रक्षा मंत्री वान रून एवं प्रसा का सेनापति वान माल्टिक था। 23 यानी कि 23 सितंबर 1862 में को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बनता है। बिस्मार्क का जन्म होता है 1 अप्रैल 1815 को ब्रैंडेनबर्ग में हुआ था इसका जन्म। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। सराजेवो के युद्ध में 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्रयाग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया था। ऑस्ट्रिया आपका जर्मन संघ में शामिल हुए। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध आपका 15 जुलाई 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 15 जुलाई 1870 में।
नेपोलियन तृतीय ने प्रशाकियांग 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण कर दिया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया था। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपके रॉबर्ट ओवेन ने किया था। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किए थे। यह वेल्स के का रहने वाला था। कहाँ का? वेल्स। न्याय के आर्थिक आयाम पर समाजवादियों द्वारा जोर दिया गया। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फैबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शो ने किया था। लंदन में फैबियन सोसाइटी की स्थापना की 1884 में हुई। 1885 में हमारे देश में क्या हुआ था? ये नया कोई संगठन बना था, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि हम लोग पीछे उस संगठन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे आपका 1917 में हुई रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। बोल्शेविक क्रांति का कौन नेता था? लेनिन। लेनिन ने चेका नामक संगठन बनाया था। रूस की जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी। इसमें बम विस्फोट में एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या सिलाओ लोगों की थी। अन्ना केरिनिना के लेखक लियो ट्रॉल्स्टाय हैं। रूसी साम्राज्यवाद का जनक आप लोग पिलाखानोव को मानते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में हुई थी। कहाँ? रूस में। सोशल डेमोक्रेटिक दल, यह दल दो गुटों में विभाजित हुआ, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक और मेंशेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। 16 अप्रैल 1917 को लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना विकसित की, जो अप्रैल थीसस के नाम से भी जानी जाती है। 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। क्या? नई आर्थिक नीति। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे मानते हैं? स्टालिन को। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ उस समय लेनिन का नारा क्या था? कि युद्ध को खत्म करो, यानी कि युद्ध का अंत करो। लेनिन की मृत्यु होती है आपकी 1924 में। कब? 1924 में। राइट्स ऑफ मैन के लेखक थे टॉमस पैन। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा से हुई थी। किससे? सूती कपड़ा से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चमत्कार को पूंजीवाद से समाजवाद की ओर निरूपित किया। इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वॉलपोल। ये भी आपका पूछा जा सकता है कभी भी। इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वॉलपोल, क्योंकि इतने दिनों तक हमारे ऊपर शासन किया है इंग्लैंड ने। तो इंग्लैंड और ब्रिटेन के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, यूरोपीय देशों के बारे में। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय अंग्रेजी नहीं जानते थे, फिर भी शासन किया है। इंग्लैंड के जो सम्राट जॉर्ज प्रथम थे और जॉर्ज द्वितीय थे, ये अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए सम्राट कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता था। सर रॉबर्ट वॉलपोल एक मंत्री थे। वे ही 20 वर्षों यानी कि 1721 से 1742 तक अध्यक्षता करते रहे, क्योंकि उन्हें कुछ लेटेन आती थी और वे राजा से बात कर सकते थे। यूनाइटेड
किंगडम संवैधानिक राजतंत्र का एक उत्तम उदाहरण माना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग औद्योगिक क्रांति के दौरान निम्न आविष्कार हुए कौन कौन से हैं। ये आपके आविष्कार हैं, ये आविष्कारक हैं, ये आविष्कार का नाम का समय है जिस सन में हुआ। तेज चलने वाला शटल, इसके आविष्कारक थे जॉन, 1733 में इसकी खोज होती है। स्पिनिंग जेनी, ये आपके इसके आविष्कारक थे जेम्स हार्गिव्स, 1765 में इसकी खोज होती है। स्पिनिंग जेनी पानी की शक्ति से चलित, ये आपका इसके आविष्कारक थे रिचर्ड आर्कराइट, 1767 में इसकी खोज करते हैं। स्पिनिंग म्यूल क्रैम्पटन, इसके आविष्कारक थे 1776 में इसकी खोज करते हैं। सेफ्टी लैम्प, इसकी खोज करते हैं हम्फ्री डेवी 1815 में, याद रख लीजिए। आगे चलते हैं, सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैगेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़क बनाने की विधि निकाली थी। किसकी पक्की सड़क जो आप लोग आज देखते हैं 1765 में, कब 1761 में ब्रैंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से बर्सली तक एक नहर भी बनाई थी। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल द्वारा खानों से बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का आविष्कार किया। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का पितृद्वंद्वी था। क्या था? पितृद्वंद्वी। सन्यास सेन ने 1921 में कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए उन्होंने माइकल बोरोदिन को आमंत्रित किया था। डॉक्टर सन्यास सेन को चीन का राष्ट्रपिता भी कहते हैं। आप लोग बताइए अपने देश का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? अपना राष्ट्रपिता किसे कहते हैं हम लोग, लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु 1925 में हो गई थी। डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक ने 1926 में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1927 में कुओमिंतांग पार्टी ने से साम्यवादी लोग अलग हुए। माओ ज़ेडुंग चीन के साम्यवादी आंदोलन का नेता था। चीन में गृह युद्ध 1928 में शुरू होता है। कब? 1928 में। 1925 में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ से तुंग ने किया था। किसने? माओ से तुंग ने। माओ से तुंग का जन्म होता है 1893 में हुनान में। चियांग काईशेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली थी। चियांग काईशेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में की थी। कहाँ? फार्मोसा में। साम्यवादियों का दमन करने के लिए चियांग काईशेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया था। किसका? ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन। माओ से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई थी। और आपको पता है कि 1949 में ही चीन आज़ाद हुआ था। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष था माओ से तुंग। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री था चाउ एन लाई। चीन के जनवादी राज्य की राजधानी हुनान थी। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। चीन के द्वार खोलने का श्रेय बेटेन को ही दिया जाता है। किसे? बेटेन को। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। कौन था? जॉन हे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में होती है। हमारे यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। 1863 में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला था। जापान में आधुनिकीकरण
जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की थी। 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी, यानी कि सैनिक सेवा आपको करना अनिवार्य है अगर आप लोग जापान के नागरिक हैं तो। 1889 में जापान में एक नया संविधान लागू किया गया जिसमें कार्यपालिका के प्रधान के रूप में सम्राट को एक विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। उसे मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया और मंत्रियों को उसी के प्रति जिम्मेदार बनाया गया। संविधान में एक संसद की व्यवस्था की गई जिसे आप लोग डाइट के नाम से जानते हैं। 1905 में जापान ने रूस को हराया था, समझ सकते हैं छोटा सा देश था, रूस को हरा दिया था जापान ने। जापान रूस का युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को होती है फोर्ट्स माउथ की संधि के द्वारा। जापान ने जापान ने 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया था। मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी थी, यानी कि छोड़ दी थी। अब आपने अभी देखा होगा कुछ ही दिन पहले यहाँ अभी भी सम्राट चुने जाते हैं, तो 126वें सम्राट अभी बने 2019 में आपके नारुहितो जापान के राज सिंहासन पर बैठे थे, ठीक है याद रखिए। पूछ लेगा क्योंकि कभी भी, तो ये आपके 126वें सम्राट हैं नारुहितो। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है, पीत आतंक। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच होता है। जापान ने इसमें धुरी राष्ट्रों यानी कि जर्मनी इटली और जापान के साथ दिया था, यानी कि इसमें जापान धुरी राष्ट्रों के साथ था जिसमें आपके जर्मनी इटली और जापान शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध में आपके 10 सितंबर 1945 ईस्वी को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अड़ू बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया था। आप समझ सकते हैं कि दो बार परमाणु हमला झेलने के बाद भी, अड़ू बम झेलने के बाद भी जापान अभी भी विकसित देशों की सूची में जा खड़ा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए न्यूरेमबर्ग नामक स्थान को चुना गया था। किसे? न्यूरेमबर्ग नामक स्थान को। आगे आपका कार्रवाई लगभग एक साल तक जारी रही जिसमें 12 आरोपियों को मृत्युदंड भी दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वारसाई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया था। कब? 1935 में। 28 जून 1919 को वर्सायी की संधि द्वारा जर्मनी पर विजयी राष्ट्रों की ओर से कठोर शर्तें ला दी गईं। अपने देश को घोर अपमान के कारण जर्मनी की जनता वर्सायी की संधि की स्वीकृति ना दे सकी। उसने संधि का हर स्तर पर विरोध करना शुरू किया क्योंकि ये जर्मनी के साथ की गई संधि बहुत कठोर थी। स्पेन में आपका गृह युद्ध होता है 1936 में शुरू। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन ही हुआ था। स्पेन जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करके करने की एक योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमणकारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे।
जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर जून 1941 में आक्रमण कर दिया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 सितंबर 1941 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था और अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट। याद रखिए इन्हें भी, क्योंकि पूछ लेता है कई बार। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था और अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट। इंग्लैंड की शानदार अलगाववादी की नीति का विचारक था सेलिसबरी। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जो आपकी पहले विश्व युद्ध के बाद हुई थी। वर्साई की संधि, आरोपित संधि। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। जर्मनी आपके दोनों विश्व युद्धों में पराजित हुआ था, पहले में भी हुआ था और दूसरे में भी हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था जापान। अमेरिका ने हिरोशिमा पर फैटमैन, ये हम लोग देख चुके हैं पीछे भी, इन्हें भी याद रखना, पूछ लेता है कई बार। अमेरिका ने हिरोशिमा पर फैटमैन और नागासाकी पर आपका लिटिल बॉय नामक एटम बम 100 मेगावाट का था जो इसे गिराया था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना है। इसी समय आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच चलता था। इसके विपरीत जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो ने गुट निरपेक्ष यानी कि अमेरिका और रूस से अलग होकर आंदोलन को आरंभ किया। जिस समय हमारा भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास दोनों तरफ, एक तरफ साम्राज्यवाद था, समाजवाद एक बार तरफ था आपका पूंजीवाद जो अमेरिका था, दूसरी तरफ रूस। तो भारत ने किसी भी संगठन में मिलने यानी कि किसी भी गुट में मिलने की बजाय अपना नया रास्ता चुना, वो था गुट निरपेक्ष आंदोलन। वियतनाम की के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व हो ची मिन ने किया था। हो ची मिन ने वियत मिन नाम से अपनी स्वतंत्र सरकार का गठन कर लिया और अपने को फ्रांसीसी आधिपत्य से पूर्ण रूप में मुक्त कर दिया था। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम बात करते हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग ईसा पूर्व की तिथियां देख लीजिए, जिन्हें आप लोग बीसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एडी यानी कि एसवी की तिथियां देखेंगे। 6000 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में मेहरगढ़, बलूचिस्तान, सिंधु घाटी में नौ बिस्तर बस्तियाँ, कई प्रकार की ईंटों के मकान का निर्माण, प्यारम और तांबे की खोज आपकी 6000 ईसा पूर्व में होती है। ये सभी घटनाएं 6000 ईसा पूर्व में घटित होती हैं। फिर आपका 5000 ईसा पूर्व, इसमें इस समय की घटनाएं सिंधु घाटी में खेती का विकास होता है, सुमेरिया में नौ बिस्तर बस्तियाँ बनती हैं, पशुओं को पालतू बनाया जाना प्रारंभ होता है, मिस्र में नौ बिस्तर बस्तियाँ बनती हैं। ये सभी आपकी 5000 बीसी यानी कि 5000 ईसा पूर्व की घटना है। फिर है आपका 4000 बीसी की बात करें यानी कि ईसा पूर्व की, तो सुमेरिया में सीसा यानी कि लेड की खोज, मिस्र में सफ़ेद रंग की मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ और किसी का विकास होता है। 3000 ईसा पूर्व में सुमेरिया उर में पिथम राजवंश का उदय होता है, पहिए वाले वाहनों का प्रयोग प्रारंभ होता है, वस्त्र का उत्पादन प्रारंभ होता है। योद्धा राजा मिनेस ने उत्तरी एवं दक्षिणी मिस्र का एकीकरण किया और फोनोसियंस ने सीरिया में बस्ती स्थापित की। क्रीट में प्रारंभिक मेनोअन सभ्यता, सुमेरिया में कीलाक्षरी लिपि का विकास होता है। ये आपका 3000 बीसी में ये सभी घटनाएं घटती हैं। फिर आपका 2850 यानी कि 2870 सॉरी 2870 2870 इस समय बीसी में एशिया माइनर में ट्रोजन संस्कृति का प्रारंभ होता है। फिर आपका 2855 50 2850 इसमें चीन में पारंपरिक सभ्यता के जीवन का सूत्रपात होता है। फिर आपका 2650 बीसी यानी कि 2650 ईसा में मिस्र में प्रथम
पैरामिड का निर्माण होता है। 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी में हड़प्पा सभ्यता का उदय होता है। 2200 ईसा पूर्व चीन में हंसिया राजवंश की प्रतिष्ठापना होती है। 1800 ईसा पूर्व बेबीलोनियाई सम्राट हम्मुराबी ने नियम संहिता की घोषणा की। 1580 क्रीट की सभ्यता का चरमोत्कर्ष। 1500 ईसा पूर्व यूनान में माइसिनियाई सभ्यता का उत्कर्ष। 1400 ईसा पूर्व क्रीट की सभ्यता का विनाश। 1200 ईसा पूर्व एशियाई जाति एस्किनो ने इटली में बस्ती स्थापित की। 1027 बीसी चीन में चाउ राजवंश स्थापित होता है। 1013 पैलेस्टाइन में इजराइलों का अभ्युदय होता है, यानी कि उदय होता है। 1000 बीसी फिलिपीसियन लोगों ने वर्ण पर आधारित लिपि लिखावट का विकास किया था। 776 बीसी यानी कि ईसा पूर्व प्रथम ओलंपिक खेलों का यूनान में आयोजित होता है। यह आपका कई बार पूछ लिया गया है क्वेश्चंस कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, यूनान में। कब हुआ था? 1776 ईसा पूर्व में। 1753 ईसा पूर्व में रोम नगर की स्थापना होती है। 1745 में ईसा पूर्व में असीरियन साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। 586 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया द्वारा यरूशलम पर अधिकार कर लिया जाता है। 509 ईसा पूर्व में रोमन गणराज्य की स्थापना होती है। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बौद्ध का महापरिनिर्माण होता है, यानी कि जन्म होता है। सॉरी, जन्म नहीं, इनका महापरिनिर्माण यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है। 480 में थर्मोपल्ली का युद्ध होता है। कब? थर्मोपल्ली का। अगर महात्मा बौद्ध के बारे में आप बात करें तो इनके बारे में हम वैसे पढ़ तो पीछे चुके हैं, भारत के इतिहास में पूरा आपका देख चुके हैं, लेकिन इनका एक सामान्य यहाँ भी जानकारी दे देते हैं आपको। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में, याद रखना है आपको। 461 ईसा पूर्व में एंथेंस एवं स्पार्टा का युद्ध होता है। 526 ईसा पूर्व में हाइड स्पीच के युद्ध में सिकंदर द्वारा पोरु को हराकर पंजाब पर विजय की गई। आपके भारत में भारत के जितने भी युद्ध हैं इनके बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं आपके इतिहास में, ठीक है। 323 ईस्वी में ईसा पूर्व में सिकंदर का बेबीलोन में निधन हो जाता है, यानी कि चल बसते हैं सिकंदर। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। 274 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का सिंहासन रोहण होता है। 214 ईसा पूर्व में चीन की महान दीवार का निर्माण होता है। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या होती है। किसकी? जूलियस सीजर की। और 318 ईसा पूर्व में ऑक्टिवियन रोम का सम्राट बनता है। ऑक्टियन फिर आपका एडी का समय, अभी तक आपका बीसी का यानी कि ईसा पूर्व का समय देख रहे थे हम लोग। अब है आपकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां ईसवी वर्ष की, एडी समय की। चार एडी में ईसा मसीह का जन्म होता है, एडी में, ठीक है। 14 ईस्वी में रोमन के सम्राट ऑक्टिवियन की मृत्यु होती है। 1333 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया। एक पता है यहाँ 18 होना चाहिए, वरना आप समझ सकते हैं कि 318 में ऑक्टिवियन रोम का सम्राट बनता है तो फिर मर क्यों जाता है, यहाँ मरता है, वो तो कई सालों जिया फिर। तो याद रखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया, 18 में वो
ईसा पूर्व में वहाँ का सम्राट बनता है, और 14 ईस्वी में सम्राट ऑक्टिवियन की मृत्यु हो जाती है। 33 ईसा पूर्व में ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया। ईस्वी में 79 ईस्वी में विसुवियस ज्वालामुखी का विस्फोट पाम्पेई एवं हरकुलेनियस नामक दो नगरों का पूर्ण विनाश होता है। 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है। 622 ईस्वी में हिजरी संबत का प्रारंभ होता है। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है। 968 में चीन में पहली पुस्तक का मुद्रण होता है। 960 ईस्वी में चीन में सुंग वंश का प्रारंभ होता है। 982 में नारसमैन द्वारा ग्रीनलैंड की खोज होती है। 1066 में हेस्टिंग्स का युद्ध होता है। 1215 में मैग्ना कार्टा पर किंग जॉन का द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। 1248 में इंग्लैंड में एडवर्ड प्रथम द्वारा वेल्स पर अधिकार किए जाते हैं। 1348 में इंग्लैंड में प्लेग यानी कि ब्लैक डेथ फैलता है। 1363 में तैमूर द्वारा एशिया विजय अभियान प्रारंभ होता है। 1381 में इंग्लैंड में किसान विद्रोह होता है। 1415 में एगिन कोर्ट के युद्ध में हेनरी पंचम की फ्रांस पर विजय होती है। 1429 में जॉन ऑफ आर्क के नेतृत्व में फ्रांस की अलियंस पर विजय होती है। 1455 में इंग्लैंड में गुलामों की का युद्ध प्रारंभ होता है। 1448 में आपका बार्थोलोमियो डियाज द्वारा उत्तर महासागरद्वीप की यात्रा करता है। 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की। कब? 1492 में। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि आप लोग स्पीड, अगर मैं लगता है आपको कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप स्पीड भी कम कर सकते हैं, इसमें आपका ऑप्शन रहता है, ठीक है। लेकिन धीमे पढ़ाना मेरे लिए भी मुश्किल है क्योंकि आपकी क्लास नहीं लेनी पड़ती, यही नहीं पढ़ाना है, मुझे भी पढ़ना पड़ता है कुछ, ठीक है। तो आप एडजस्ट करना सीखिए, लेकिन छूटेगा कुछ भी नहीं, इतना गारंटी दूंगा। 1497 जॉन केबट द्वारा न्यू फाउंडलैंड की खोज की। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा का उत्तर महासागरद्वीप होते हुए भारत आगमन होता है। 1500 ईसवी में पेट्रो कैबराइल द्वारा ब्राज़ील की खोज की जाती है। 1558 में एलिजाबेथ प्रथम का इंग्लैंड की महारानी के रूप में सिंहासन रोहण होता है। 1642 में ब्रिटेन में गृह युद्ध का प्रारंभ होता है। 1649 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स को फांसी दी जाती है। 1660 में कॉमनवेल्थ की स्थापना की जाती है। फिर आपका 1660 में इंग्लैंड में पुनः राजतंत्र की स्थापना होती है। 1688 में इंग्लैंड में रक्तहीन महान क्रांति होती है। 1689 में ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। 1696 में पीटर महान रूस के जार बने। 1721 में रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। 1756 में यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध प्रारंभ होता है। 1773 में प्रसिद्ध बोस्टन पिट्टी पार्टी घटना होती है। 1776 में अमेरिका की स्वाधीनता की घोषणा होती है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है आपकी। कब? 1789 में। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट घोषित होता है। 1805 में ट्रफलगर का युद्ध और नेल्सन की मृत्यु होती है। 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है, नेपोलियन की पराजय होती है। 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। 1832 में इंग्लैंड में प्रथम सुधार विधेयक आता है। 1838 में कार्ल मार्क्स तथा एंजल द्वारा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित होता है। 1853 में क्रीमिया का
युद्ध होता है। 1861 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। 1863 में अमेरिका में दासप्रथा का लिंकन द्वारा उन्मूलन किया जाता है। 1865 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन की हत्या कर दी जाती है। 1879 में 69 में 1869 में स्वेज नहर का व्यापारिक प्रयोग प्रारंभ होता है। एक बात आप लोग याद रखा करिए कि अगर मैं कहीं डेट गलत ले बोल देता हूँ तो स्क्रीन पर देखते तो रहते हैं आप लोग, वैसे तो मैं बताता रहता हूँ, अगर गलत बोल भी देता हूँ तो उसे सही करके दोहरा भी देता हूँ, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिएगा अगर आपको लगता है कि मैंने भूल गया हूँ तो, ठीक है। जैसे कोई और आता है अपना अपनी फैमिली का मेम्बर तो वो भी देख लिया करेगा। 1904 में रूस जापान युद्ध होता है। 1907 में न्यूजीलैंड ब्रिटेन का उपनिवेश बना। 1912 में चीन गणराज्य बना। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1917 में लेनिन के नेतृत्व में महान रूसी क्रांति होती है। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। 1919 में वर्साय संधि होती है। पेरिस में शांति सम्मेलन होता है। 1920 में राष्ट्रसंघ का संगठन गठन होता है। 1921 में स्वतंत्र आयरलैंड राज्य की स्थापना होती है। 1922 में मुसोलिनी का रोम पर आक्रमण होता है। 1924 में 21 जनवरी को लेनिन का निधन हो जाता है और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है 1924 में। फिर आपका 1933 क्या होता है? 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। 1935 में इटली द्वारा इथोपिया पर आक्रमण किया जाता है। 1939 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, यानी कि 1939 से शुरू होता है 1945 तक चलता है। जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाते हैं अमेरिका के द्वारा 1945 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भी आपकी 1945 में ही होती है। फिर 1948 में क्या क्या होता है? बर्मा स्वतंत्र होता है, श्रीलंका स्वतंत्र होता है, यहूदियों द्वारा फिलिस्तीन में इजराइल के नवीन राज्य की उद्घोषणा की जाती है और भारत में चक्रवर्ती राजगोपाली गोपालाचारी गवर्नर जनरल बनते हैं। ये भारतीय प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, याद रखना। हमारा देश 1947 में आज़ाद हो चुका था, ठीक है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। फिर आपका 1952 में क्या क्या हुआ? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज सस्टम की मृत्यु हो जाती है। एलिजाबेथ द्वितीय महारानी बनी। 1953 में सोवियत संघ में स्टालिन की मृत्यु हो जाती है। हेलेरी और तेंसिंग ने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। किस किस ने? हेलेरी ने और तेंसिंग ने। 1956 में पाकिस्तानी इस्लामी गणतंत्र घोषित होता है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। 1957 में घाना स्वतंत्र होता है। सोवियत संघ द्वारा प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पूतनिक प्रथम छोड़ा जाता है। 1958 में इराक गणराज्य बनता है। 1959 में पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। क्या थी? कराची। 1961 में रुआंडा बरुंडी गणराज्य घोषित होते हैं। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य बना। भारत द्वारा पुर्तगाली उपनिवेश गुआ दमन द्वीप अधिकृत यानी किए गए छूट ले लिए गए। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और इन्होंने सबसे बाद तक हमारे यहाँ कुछ क्षेत्रों पर शासन करते रहे, जैसे आपके गुआ दमन द्वीप हो गए 1961 में जो छोड़ के गए यहाँ से भारत। 1962 में चीन द्वारा भारत की उत्तरी सीमा पर आक्रमण किया जाता है। इसमें भारत की पराजय होती है, चीन विजयी होता है। 1963 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी जाती है। 1965 में सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु होती है और भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1965 में। 1966 में गुआना स्वतंत्र होता है, ताशकंद समझौता होता है। 1967 में आपका इजराइल द्वारा संयुक्त राज्य अरब गणराज्य पर आक्रमण किया जाता है। 1968 में मैक्सिको सिटी में ओलंपिक खेल प्रारंभ होते हैं। 1969 में अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्म
आर्मस्ट्रांग और एडविन और ऑल्डिन चंद्रमा पर उतरे थे। 1970 में महान दार्शनिक वाटेंड रसेल का निधन होता है। 1971 में भारत पाक का युद्ध होता है और बांग्लादेश एक आपका नया देश बनकर उभरता है, पूर्वी पाकिस्तान पहले से बोलते थे। एक बात आप लोग याद रखिए कि जितने भी अफ्रीका महाद्वीप के आपके देश हैं, ये आपके लगभग लगभग 1947 के बाद से बाद ही, यानी कि हमारी आज़ादी के बाद ही अस्तित्व में आए, यानी कि आज़ाद हुए। 1973 में आपका अफगानिस्तान में गणराज्य की स्थापना की गई। 1974 में माल्टा गणराज्य घोषित किया गया। 1976 में माओ से तुंग की मृत्यु हुई और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत निर्वाचित हुआ। 1977 में पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक ने सत्ता हस्तगत करी। 1978 में सैनिक शासन गुट ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली। 1979 में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस का उद्घाटन किया गया और ईरान इस्लामी गणराज्य घोषित हुआ। 1980 रूस ने अफगानिस्तान में आधिपत्य जमाया। 1981 में वियर बेरिज डी क्वर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव निर्वाचित किए गए। 1982 में ब्रिटिश नौसेना द्वारा फॉकलैंड द्वीप की घेराबंदी की गई अर्जेंटीना। 1983 में नई दिल्ली में सातवा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन संपन्न होता है। 1984 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 1985 में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन बहामास की नसारू में आयोजित किए गए थे। 1986 में हरारे जिम्बाब्वे में निर्गुट आंदोलन का आठवां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1987 में रीगन और गार्बाचियो द्वारा वाशिंगटन में मध्यवर्ती श्रेणी के परमाणु विक्षेप पास्तों की समाप्ति हेतु हस्ताक्षर किए गए। 1988 में अफगान शांति हेतु जेनेवा समझौता होता है। 1989 में सोवियत संघ और अमेरिका द्वारा पेरिस सम्मेलन में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने की घोषणा की गई और हंगरी गणराज्य घोषित हुआ इसी समय। 1989 में बर्लिन की दीवार गिराने का काम भी इसी समय हुआ। 1990 में दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला 28 वर्षों बाद जेल से रिहा होकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है और राजीव गांधी की मानव बम द्वारा हत्या होती है 1991 में। ये सोवियत संघ के बाद आज हम जिसे रूस कहते हैं, ये उसी का स्थित सोवियत संघ बोलते थे इसे पहले। 1992 में आपका बिल क्लिंटन अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके विश्व इतिहास के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे अब भारतीय कला और संस्कृति के बारे में देखेंगे, ठीक है।